देखिएगा, अब ये जो वीडियो है आपकी, ये आपकी चैप्टर नंबर 3 के क्लास 10th के लिए ना, एमसीक्यूज करा रहा हूँ मैं इसमें, और वो ये अरिहंत वाली बुक से ही करा रहा हूँ ना, अरिहंत को ही फॉलो करेंगे हम। तो देखिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके सारे एमसीक्यूज आपके चैप्टर नंबर 3 के मैथमेटिक्स के, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें, द पेयर ऑफ इक्वेशंस वाईक्वल्स टू 0 एंड वाईक्वल्स टू -7 एज, कहा है कि क्या इसमें वन सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशंस होंगे, या इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस, या नो सॉल्यूशंस, है ना। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, वैसे तो वाई के अलग अलग वैल्यूज है तो नो सॉल्यूशंस वाली कंडीशन है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ ये समझा देता हूँ। आप देखिएगा इसमें, ये मान लीजिए आपने क्या लिख कर दिया, ये आपका एक्स एक्स डैश यानी एक्स एक्स और ये आपका वाई वाई डैश यानी वाई सी, ये आपका ओरिजिन हो गया जीरो। अब आप देख सकते हैं इसमें, मान लीजिए यहाँ पर कितना है आपका -5 है, यहाँ पर कितना आपका -10 है, और यहाँ कितना आपका 5 है, यहाँ पर आपका 10 है। इसी तरह से ये भी आपका 5 और ये आपका क्या हुआ 10, और ये आपका -5 और ये आपका क्या हुआ -10। अब आप देखेंगे वाई कॉस टू जीरो, वाई कॉस टू जीरो स्टूडेंट कहाँ होता है, वाई कॉस टू जीरो, वाई कॉस टू जीरो होता है आपका एक्स एक्सिस पर, यानी कि ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन दे रखी है, यानी कि आपका वाई कॉस टू जीरो। दूसरा दे रखा आपको वाई प्लस टू -7, तो -7 कहाँ होगा, ये -5 और -10 के बीच में कहीं यहाँ पर ये होगा लगभग, है ना। ये मान लीजिए कि आपका -7, यानी ये क्या हुआ वाई प्लस -7। तो ये दोनों लाइन जो है ना ग्रीन वाली है कैसी है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन जो होती है इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा स्टूडेंट, है ना। अब आप आगे देखिए इसमें कंसंट्रेशन के साथ, सेकेंड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x equals to a and y equals to b graphically represents lines which are, देखिए उसने कहा कि एक ही लाइन में अगर दो वैल्यू दे रखे हैं x equal a और y equals to b, तो ये तो डायरेक्टली सॉल्यूशन ही दे रखे ना, एक लाइन पर जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, x equal a, y equal b। और अगर आप देखें तो ये इसको भी आप इसी से कर सकते हो कार्टेशियन फॉर्म से, देखिएगा ध्यान से, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, है ना। देखिए पूरे कंसंट्रेशन से, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया एक्स एक्स डैश, और ये आपका वाई वाई डैश यानी वाई एक्सिस, ये आपका जीरो। अब अगर मैं कहूँ कि एक्स इक्वल ए कहाँ होगा, तो आप मान लीजिए यहाँ कहीं भी है ए, ये मान लिया आपने, ठीक है, ये आपने लेट कर दिया, ये क्या आपका एक्स इक्वल्स टू ए है, और वाई इक्वल्स टू बी, वाई इक्वल्स टू बी आपने लेट कर लिया कि ये रहा, ये आपका वाई इक्वल्स टू बी हो गया। तो ये कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, और ये पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए है और वाई के क्या है बी, तो ए कोमा बी पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप आंसर देख सकते हो उसमें कौन से आपका इंटरसेक्टिंग एट ए कोमा बी, यानी डी इज राइट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अखिला वेंट टू अ फेयर हर विलेज, शी वॉन्टेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जियंट व्हील एंड प्ले हुपला, If each ride costs rupees 3 and a game of hoopla costs rupees 4, then she spent rupees 20. उसने कितने खर्च किए टोटल 20। तो इसका मतलब उसने एक एक बार तो नहीं किया ये काम, कई बार किया होगा, कोई सा एक बार, कोई सा दो बार हो सकता है ना। तो देखिए क्या आपका द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस कंडीशन इज, अब यहाँ पर ना एक्स और वाई के बारे में कुछ नहीं दिया, लेकिन आप एक्स और वाई को मान लीजिए कि एक्स क्या है आपका, आप यहाँ देखिए दो चीजें चल रही है ना आपकी यहाँ पर, ये आपका जियंट व्हील और ये क्या है आपका हुपला। तो ये आप मान लीजिए कि उसने एक्स टाइम्स किया, और ये जो हुपला वाला है उसने मान लीजिए कितना वाई टाइम्स किया, तो एक्स टाइम्स का वन टाइम का कितना रुपया लग रहा था आपका 3 रुपीज, तो 3x, और फिर 4 रुपीज किसके लग रहे थे हुपला वाले, यानी कि 4y, और इक्वल्स टू क्या आएगा आपका टोटल फेयर यानी टोटल स्पेंड जो उसका खर्च हुआ है ये 20। तो आप देखिए 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, तो कौन सा है आपका, ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट इसमें फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या ऐड कर दिया जाए, 2 को ऐड कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है 4/5। तो ये आपने कर रखा था कि आप फ्रैक्शन हमेशा क्या लिख करते थे x अपॉन y, ये आपका ऊपर वाला आपको पता ही है न्यूमिरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। तो उसने कहा कि अगर ऊपर भी हम 2 ऐड कर दें, नीचे भी हम 2 ऐड कर दें, तो उस कंडीशन में जो है फ्रैक्शन हमारी 4/5 हो जाती है। तो आप इसको निकालिए,
फाइव की एक्स होगी तो 5x, 5 की 2 से होगी तो 5 2 जा 10 और इक्वल टू में आपका क्या होगा 4 की y से होगी तो 4y और 4 की 2 से होगी तो 4 2 जा 8। तो आप देखिए 5x और ये 4y लेफ्ट में आकर माइनस और ये 10, 10 में से ऐड गया तो कितना बचा आपका प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आई है फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन से तो यार देखा जाए ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है तो नहीं कह सकते, वैसे भी नन ऑफ द अबव है तो हो सकता है कोई भी ना हो। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम इसमें सेकंड कंडीशन को देखते हैं क्या दे रखे। सेकंड कंडीशन आपको इफ हाउएवर 4 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में से किसको माइनस कर दिया जाए 4 को, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो फ्रैक्शन जो है किसमें आ जाती है 1/2 में आ जाती है। तो आप देखिएगा अगर इसमें से भी किसको 4 को माइनस किया जाए और वाई में से भी यानी न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी दोनों में से 4 को माइनस किया तो क्या होगा आपका 2 की x से होगी तो 2x माइनस 2 की 4 से होगी तो कितना आएगा 2 4 8 और y की 1 से तो y और माइनस 4 की 1 से तो 4। अब देखिए 2x और ये y लेफ्ट में आकर माइनस और ये माइनस 8 है ना, ये 4 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। तो आप देख सकते हैं कि क्या बचा आपका 2x माइनस y और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये कौन सा आपका ये बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन स्टूडेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है आपका देखिएगा। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर रुपीज 9। देखिएगा 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स जो इसको कितने रुपए की मिली 9 रुपीज की, है ना। आप समझ सकते हैं पुराना जमाने का क्वेश्चन है, नहीं तो इतनी सस्ती थोड़ी मिलेगी। देखिए आगे हर फ्रेंड सोनाली, या देखिए सेकेंड कंडीशन को आप अलग कलर में ले लीजिए। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी, है ना। अब सोनाली को जो है न्यू वेराइटीज नजर आई, ये जो इसने खरीदी है ना रोमिला ने वो वाली। अब चाहे वेराइटी नजर आई है, आप कह लीजिए कि उसको ना एक बहस हो गई है इसने लिए तो मैं भी लूंगी। देखिएगा ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 18। तो देखिए यहाँ साफ पता चल गया है कि बहस ही थी दोनों में, क्योंकि इसने डबल खरीदी है ना, दिखाया कि देख बेटा मैं तुझसे डबल पैसे खर्च कर सकती हूँ। देखिए द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशंस इज, तो आप देखिए आप ना पेंसिल के रेट को एक्स मानेंगे, ठीक है, पेंसिल वाले को रुपीज एक्स और जो आपका इरेजर वाले उसको क्या मानेंगे रुपीज वाई। तो आप कह सकते हैं कि 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स टोटल 9 रुपीज की है। फिर दूसरी ने क्या किया डबल डबल खरीदा है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना आपका 18। तो आप कह सकते हैं कहाँ है आपका साफ दिखाई दे रहा है कौन सा ऑप्शन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल 9 और ये, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 एज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आप देखिएगा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन, समझते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए ना मैं आपको इसका बेसिक करा देता हूँ, एकदम 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व के, पूरा बेसिक करा देता हूँ क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं हमारे, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपकी 2 लाइंस दे रखी है आपको a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अब जो जो कंडीशंस पॉसिबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन है कि जब a1 / a2 नॉट इक्वल आए आपका b1 / b2 के, है ना, a1 / a2 नॉट इक्वल्स टू b1 / b2 अगर आता है आपका तो क्या होगा, तो होती है लाइंस कैसे इंटरसेक्टिंग। मान लीजिए एक लाइन ऐसी है ज्योमेट्रिकली अगर देखें और एक लाइन ऐसी है, तो कहाँ मिल रही है एक पॉइंट पर, ये सिर्फ 1 पॉइंट पर मिल रही है ना, एक अकेले पॉइंट पर। तो ये लाइन कैसी होगी इंटरसेक्टिंग होगी, कैसी लाइन होगी आपकी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी बच्चों, है ना। और सॉल्यूशंस जो है इसका कितना होगा एक पॉइंट पर मिल रहा है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा आपका, ये यूनिक सॉल्यूशन या बच्चों में इसको क्या कह सकते हैं वन सॉल्यूशन, है ना, ओनली वन सॉल्यूशन आप कुछ भी कह सकते हैं। अब बात आती है सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन देखिएगा बच्चों, सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, अगर a1 / a2 है इक्वल्स टू b1 / b2 है और इक्वल्स टू c1 / c2 है, यानी कि सारे ही इक्वल है, तो उस कंडीशन में जो लाइंस होती है ना तो वो ये होती है कि मान लीजिए एक लाइन ऐसे है ना, दूसरी लाइन जो ग्रीन है ना वो भी जस्ट इसी के ऊपर है,
यानी कि इनको कहा जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। कैसे कहा जाएगा इनको स्टूडेंट्स? कोइंसिडेंट लाइंस। तो आप देखिएगा कोइंसिडेंट लाइंस यानी एक के ऊपर एक, बिल्कुल। अब अगर मैं कहूँ कि कितनी जगह मिल रहे हैं, तो मैं रेड वाले से देख रहा हूँ, देखो एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, मतलब ये तो हर जगह ही मिल रहे हैं। यानी कितना आपका सॉल्यूशंस कितने होंगे, जितनी जगह मिलती है दोनों लाइन उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। जैसे ऊपर वाली आपकी एक जगह मिली थी इंटरसेक्टिंग वाली, तो एक सॉल्यूशन था। यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे आपके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आप देख सकते हैं इसमें स्टूडेंट की आपका क्या है आगे, अगर मैं बात करूँ आपकी इसमें थर्ड कंडीशन की, यानी ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू। जब दो इक्वल हो लेकिन तीसरी बारी में इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होती है पैरेलल लाइन। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस जो है आपस में कभी नहीं मिलेंगी। कौन सी वाली लाइन्स हो गई आपकी? पैरेलल। और पैरेलल लाइंस आपस में कभी नहीं मिलेंगी, और कभी नहीं मिलेंगी अगर, तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? एक भी नहीं होगा। तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा आपका इस कंडीशन में? नो सॉल्यूशन। अब आप देख सकते हैं कि सर ये तो बुक में भी लिखा हुआ था, कि ये याद कैसे हो ये तो बताओ। तो चलिए याद कर देखते हैं ना। देखिए मान लीजिए आपने अपने पापा से कहा कि बेटा सॉरी आपने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे स्कूटी चाहिए। आपने अपने पापा से कहा पापा मुझे स्कूटी चाहिए, पापा ने स्टार्टिंग में क्या कह दिया? नहीं, नो कर दिया। आपकी पहली बात ही कट हो गई। तो क्या होगा कि एक सॉल्यूशन है, यानी कि क्या आपका क्या आपको स्कूटी नहीं मिलेगी, बात खत्म। आपके मन में आया और वो विचार पापा ने वही का वही खत्म कर दिया, चल ना लाए, ठीक है, बात खत्म हो गई, है ना। तो क्या हुआ, एक सॉल्यूशन है कि आपको पता है कि आप स्कूटी नहीं मिलेगी, आपको सपने नहीं आए, है ना। अब ये देखिए यहाँ पर कि आपने कहा कि पापा स्कूटी चाहिए, पापा बोले ठीक है बेटा दिला देंगे रिजल्ट आने, है ना। अब आपका जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में भी आप टॉप कर गए, तो पापा ने रिजल्ट जिस दिन आया उसी दिन शाम को स्कूटी लाके खड़ी कर दी आपकी, कि लो बेटा। तो क्या हुआ, देखिए हाँ भी कह दी और काम भी हो गया आपका, है ना, हाँ भी कह दी और वो वादा निभाया भी। तो उस कंडीशन में क्या है, वहां तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी, यानी कि क्या, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन, है ना। फिर तो एकदम पापा को आप कहोगे और आपको पता है कि आप स्कूटी पे क्या लिखवाओगे, डेड गिफ्ट, है ना। अब देखिएगा ध्यान से आगे की कंडीशन इसकी, ये वाला जो है आपका, इसमें ध्यान से देखिएगा कि आपने कहा पापा स्कूटी चाहिए, बोले हाँ मेरे लाल में दिला दूँ आपको, बिल्कुल, है ना। अब आपका रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव आ गया है, तो पापा ने ना स्कूटी की जगह आपके जूते बजा दिए, है ना। अब इसमें क्या हुआ, आपने सारे दोस्तों में कह दिया था रिजल्ट वाले दिन ना मेरी स्कूटी आएगी, पता चले रिजल्ट भी खराब और आपके कपड़े भी खराब, क्योंकि जूते बजे ना आपके ऊपर। तो कहने का मतलब ये कंडीशन सबसे बहन है कि कभी हाँ कभी ना, पहले तो हाँ कह दिया और फिर क्या हुआ, वो मुखर गए, चाहे कंडीशन कुछ भी थी लेकिन क्या हुआ, पहले हाँ बोल दी और उसके बाद वो वादा पूरा नहीं निभाया गया। तो इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन, ये सबसे बुरी कंडीशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो दो कंडीशंस में आपके निकलते हैं। दो कंडीशंस क्या क्या है आपकी, देखिएगा दो कंडीशंस आपकी ये, एक पहली ये कि अगर शुरू में ही ना कर दें, या दूसरी ये अगर हाँ करें तो फिर काम भी करें, ठीक है। तो ये तो इनमें सॉल्यूशन आते हैं, चाहे वो कोई सा भी सॉल्यूशन आए, चाहे वह यूनिक सॉल्यूशन हो या चाहे वह आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। बट ये जो हाँ करके ना करने वाली बात है, तो ये बहुत दिल दुखाती है ना, तो ये नो सॉल्यूशन वाली है। अब आप एक चीज और देखिएगा कि ये दोनों जो है ना, ये इनमें क्या होता है, सॉल्यूशन तो निकलना है ना, तो सॉल्यूशन निकलना है, तो सॉल्यूशन निकलने वाले को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट, समझ गए। और जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलना नीचे वाले में, यानी पैरेलल वाली कंडीशन, तो इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, समझ रहे हैं आप। तो आप इस पूरे के पूरे को याद कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, समझ गए। और एक चीज और, बस लास्ट में इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बता दूं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे काम आ जाएगा आपके, है ना। कि इसमें लास्ट छोटा सा टॉपिक ये आपका, कि अगर स्टूडेंट आपका कभी आपसे कहा जाए डिपेंडेंट लाइन्स है, टू लाइन्स कैसी है, डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट का मतलब होता है ये वाली, ये जो एक दूसरे के ऊपर होके चलती है ना क्लास, इनको डिपेंडेंट लाइन्स भी कहा जाता है, समझ गए। यानी अगर डिपेंडेंट कह रहा है तो आप समझ जाएगा कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस की बात हो रही है। अब ये मत कहना इनफाइनेट सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पर, मैनी लिख दो, है ना, कोई वो नहीं है।
चलिए कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखिएगा स्टूडेंट कितना आसान हो जाएगा सर। ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है ना, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो देखते हैं क्या होता है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको लेफ्ट में ले आएंगे, सामने जीरो होना चाहिए। तो इसमें भी आप यही करेंगे, लेफ्ट में ले आएंगे और सामने जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पर ना a1 a2 b1 b2 c1 c2 लेफ्ट करके आप अपना टाइम लेस्ट मत कीजिएगा, डायरेक्टली कंपेयर कर लीजिएगा, ऊपर नीचे रखें। देखिए 3/9 और -1/-3 और -3/-9। अभी कॉमा लगा लीजिए, इक्वल आएंगे तो इक्वल कर देंगे। देखिए 1/3 हो गया, माइनस से माइनस गया 1/3, माइनस से माइनस, 3 से ये 9, तो ये भी कितना, सब कुछ 1/3 आ रहा है। तो स्टूडेंट 1/3 1/3, यानी कि सारे रेशियो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 आ गए। यानी कि ये जो है आपके a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2 आ गया है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ भी कह दी और काम भी कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। ठीक है, शुरू है, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम ध्यान से। द नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, इसके लिए क्या है, नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे टोटल। तो देखिए ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ये आपको दे रखी है ना, तो आप क्या करेंगे इसमें, फर्स्टली इनको सबको लेफ्ट में करके लिखेंगे, यानी क्या 5x + 4y + 6 = 0, और ये क्या आपका 10x + 8y और -12 = 0। स्टूडेंट इसमें आपसे कहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, कितने सॉल्यूशन है ये नहीं बताना है कि इसके सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए 5/10 किया आपने और ये 4/8 किया आपने और ये 6/-12 किया। देखिए माइनस वाला तो इक्वल हो ही नहीं सकता कभी भी इन प्लस वालों के, तो आप इनको ही देख लीजिए बस, ये 1/2, ये भी आपका 1/2, यानी कि a1/a2 जो है वह आपका इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के। यानी कि ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस, पहले हाँ कह दिया फिर धोखा दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कितने सॉल्यूशन होंगे फिर 0, तो ए इज राइट ऑप्शन। देखिए ऑन कंपेयरिंग, ये ही कंपेयर करके बताना है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दे रखिए, ये दे रखिए आपको, है ना, कि पैरेलल इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या नन ऑफ दी अबव, है ना। तो चलिए चेक करते हैं, देखिए डायरेक्ट लेंगे अब हम, देखिए है ना 3/7 और क्या है -5/6, तो ये पहले इक्वल नहीं है तो आगे जाएंगे नहीं, यानी कि क्या पहला जब इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन वही लाइन जिन पे वन सॉल्यूशन होता था, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट कब होती थी, जब सॉल्यूशन होते थे, और सॉल्यूशन कब होते थे, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि या तो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, तो सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखिए आप इसमें, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज गिवन बाय ये और ये, ठीक है, ये दे रखा है आपको पहले हाँ फिर ना, तो ये कंडीशन होती थी पैरेलल लाइंस के बच्चों, और पैरेलल लाइंस की होती थी तो पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, लेकिन इसमें दे रखा है आपको, देखिए इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, बट ये गलत है, इनकंसिस्टेंट आना चाहिए क्योंकि सॉल्यूशन नहीं हो सकता पैरेलल लाइंस में, तो ये बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फटाफट, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पर, ठीक है, दो लाइंस हो रही है ना, दो या तीन हो कुल मिला के, अभी तो लाइंस लिखा हुआ है, देन दैट पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस, ओके, टू इक्वेशंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल सही बात है। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या कैन नॉट से नन ऑफ दिस, ये कंसिस्टेंट होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर क्या है एक सॉल्यूशन हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन होना होने से मतलब है, अगर सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट होता है, अगर सॉल्यूशन नहीं होते तो इनकंसिस्टेंट होता है, तो ए इज राइट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, अगर लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल सही बात है। इन दिस केस द पेयर ऑफ
इक्वेशन इज, क्या है आपके यहाँ पर इनकंसिस्टेंट, आपको अभी याद करा दिया है मैंने पूरी टेबल है ना, इनकंसिस्टेंट। अब आप आगे देखिए स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दे देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो देखिए इसमें से कौन सी इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल वाली कंडीशन किसकी है ना। तो यहाँ पर देखेंगे वन बाई वन हम चेक करेंगे, तो क्या है आपका ये 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और आपका x माइनस वाई बाई 3 और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखिएगा ये a वाला मैं चेक कर रहा हूँ, तो 3/1 आ रहा है, 3/1। फिर दूसरा चेक करो -1/-1/3, और तीसरा वाला है आपका -9/-3। तो आप देखेंगे इसमें ये तो 3/1 ही रहा, ये माइनस से माइनस गया, और ये 3 ऊपर, तो ये भी आपका कितना आ गया, 3/1 आ गया, ये भी आपका 3/1 आ गया। और आप अगर देखें माइनस से माइनस गया, ये देखिए 3 और ये 1, तो ये भी आपका 3/1 आ गया है ना, ये भी आपका क्या गया 3/1। तो ये तो इक्वल है, यानी कि क्या आपका ये तो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट में नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन तो नहीं है। अब आप फटाफट दूसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए, देखिएगा बी वाला है ना, 4x+3y-24=0 एंड -k2x+k3y और क्या है आपका -k6=0। तो देखिए 4/-2 और ये आपका 3/3, तो एक तो इक्वल हो ही नहीं सकते, पहले ही वाला इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है, तो इसका मतलब ये कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई बच्चों, है ना, और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। अब आप देखिएगा थर्ड सी वाला मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, सी वाला देख लीजिए अच्छे से, क्या आपका 5x-y-10=0 और ये आपका क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, 10x-2y-20=0। तो आप देखिए 5/10 और क्या है आपका -1/-2 और ये -10/-20। तो आप देखिए ये भी 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2 आ रहा है, और अगर आप इसको देखें ये भी 1/2 आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है कंसिस्टेंट है, ये भी नहीं हो सकता, तो डी इज राइट ऑप्शन, डी हमने लगा दिया। और आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो डी को एक बार, क्या है आपका देख लीजिए आप इसमें -2x+y और ये -3=0 और दूसरा आपका -4x और +2y और -10=0। तो क्या है आपका ये देखिएगा -2/-4 और 1/2 और -3/-10। तो आप देखिएगा ये माइनस से माइनस गए 1/2, ये आ रहा है 1/2 इक्वल है सही है ना, इक्वल्स टू 1/2 और नॉट इक्वल्स टू 3/10। तो ये जो है पहले हाफ फिर ना, तो ये कंडीशन इसी से बचना है बस हमने, ठीक है, ये पैरेलल वाली यानी कि ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, चेक भी कर दिया मैंने आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, ये दे रखिए आपको, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है क्या है बता दीजिएगा। देखिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, अब मैं लेफ्ट में लाने की जहमत नहीं करूँगा, चलिए ये वाला ले आता हूँ, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो जिसमें x वाली कंडीशन थोड़ी सी डिफर दे रखी है ना, देखिएगा, वरना कहोगे सर इजी इजी आपने करा दिया, टफ वाला छोड़ दिया ना, ऐसा नहीं कि टफ है, लेकिन सिर्फ एक बता रहा हूँ, ये 8x लेफ्ट में आकर हो जाएगा -8x और +10y और +k20। अब मैं कंपेयर कर दूँ, देखिए x वाले के अपॉन में x वाला, यानी 4/-8, फिर -5/10 -5/10, फिर आप देखिए -k12/20 -12/ क्या आपका 20। तो आप देखिएगा ये आपका कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है माइनस के, ये भी आपका 1/2 आ रहा है माइनस के, बट ये आपका नहीं आ रहा एकदम, ठीक है, तो इसका मतलब कभी हाँ कभी ना, तो ये क्या है इनकंसिस्टेंट, डी इज राइट ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x=2 एंड y=-3 इज, इसमें बताने की कौन सी नीचे आपकी इक्वेशंस हैं जिनके यूनिक सॉल्यूशन x=2 और y=-3 है। इस पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख के मुझे मजबूरी में दिखाना पड़ता है, पता नहीं आप में से कौन कितना वीक हो, है ना, इसलिए दिखा रहा हूँ, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, देखिए डायरेक्ट 2 रखेंगे इसमें 2 और यहाँ पर -3 में से 2 गया तो -1, ये 1 आ रहा है इक्वल नहीं है, ये नहीं होगा। इसी तरह से x इक्वल इस वाले में 2 रखिए, 2 to the 4 और -3 रखिए, 5 3 is 15 -k -k 15 में से 4 गया तो -11 सही है,
अब इसमें चेक कीजिए, दूसरी इक्वेशन में 4 2 8 और 10 में 3 रखेंगे मतलब y का तो क्या आएगा आपका, -30, -30 में से हट गया -22, ये राइट है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। बाकी आप लिख कर देख लीजिए है ना, अभी जब तक वीकनेस है थोड़ा प्रैक्टिस कम है तो आप देख लीजिए, पहली बार एमसीक्यूज आ रहे हैं तो लिख कर भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं राइट वाला ऑप्शन अगर देखूँ फर्स्ट वाला, तो उसमें अगर मैं एक्स की जगह 2 रखूँ बच्चों और वाई की जगह क्या रखूँ मैं -3 जैसे रखा जाता है ना, तो सामने बने तो ये आपका 2, ये -+-3=1, तो -1=1 नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। फिर बी वाला मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों, तो 2 × x एक्स के प्लेस पर 2 और 5 × -3 y के प्लेस पर और -11, तो आप देखिए 4 और ये -15 और −11, तो कितना है -11 −11, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अभी सेकंड भी देखनी पड़ती है ना, दोनों इक्वेशन चेक करनी पड़ती है, तो आप देखिएगा 4 × 2 और +10 × −3 और −2 में आपका -22, तो आप देखिएगा ये 8 और ये कितना है आपका -30 और −2 में आपका -22, तो ये -22 और −22, यानी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली ना, अभी बताया ना मैंने आपको, ये लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा डायरेक्टली ले रहा हूँ मैं, देखिएगा यहाँ एक्स का ऑप्शन क्या है 1, तो 1 और नीचे -3, फिर इसका कितना है 2 और नीचे -6, 2/-6, और ये कितना है 5 और ये कितना है 1, तो 5/1। देखिए पहली बात तो ये 2 माइनस के हैं, तीसरा प्लस का तो होगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा, बाकी इन दोनों को चेक कर लेते हैं, -1/3 आ रहा है और ये भी -1/3 आ रहा है, लेकिन ये नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये पैरेलल वाली, कभी हाँ कभी ना, पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आप देख सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 17, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज, जो इसकी डिपेंडेंट इक्वेशन है वो बतानी है, द सेकेंड इक्वेशन कह दो, मतलब जो एक दूसरे पर डिपेंड हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें तो सीधा सा है बिल्कुल, कंपेयर कर लीजिएगा आप इसमें, और देखिए अगर मैं -5 ये लिख रहा हूँ मैं 17 क्वेश्चन में, पहले वाले से कंपेयर कर रहा हूँ मैं पहले, तो क्या होगा -5 ऊपर ये आपका है ना, और ये आपका 10 नीचे, फिर आपका ये 7 ऊपर और ये 14 नीचे, तो इक्वल हो ही नहीं सकते, प्लस माइनस के ए ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरे से चेक करते हैं, -5 और नीचे -10, +7 और नीचे -14, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, ये पहला प्लस दूसरा माइनस, ये भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन भी नहीं होगा भाई। अब सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, देखिएगा -5 ऊपर और -10 नीचे, और आप देख सकते हैं कि 7 ऊपर और 14 नीचे, और आप देखेंगे -2 ऊपर और 4 नीचे, तो ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, और ये वाला जो आ रहा है आपका माइनस का आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो डी इज राइट ऑप्शन, चेक करने की जरूरत नहीं है डी को, जब आपके ए बी सी गलत हो गए हैं तो आप डी को चेक क्यों करेंगे ना, टाइम बचाएंगे अपना, और चाहो तो चेक कर लीजिए इनका तीनों का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा, इनकी तरह नहीं होगा ए बी सी की तरह। ठीक है, 18 क्वेश्चन, इफ द लाइंस गिवन बाय ये और ये हैज यूनिक सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो के की वैल्यू बतानी आपने क्या होगी, तो देखिएगा स्टूडेंट इसमें क्या है आपका, ध्यान से देखिए पूरे, क्या आपका 2x + ky − 1=0 और 3x − 5y − 7=0, इसमें आपको कहा है उसने कि यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन में जो पहला रेशियो होता है ना वो इक्वल नहीं होता, तो k अपॉन -5, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, तो कितना आएगा आपका 3k ≠ क्या आएगा आपका -10, यानी k ≠ आपका आएगा -10/3, तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लिखा हुआ है फॉर ऑल रियल वैल्यू, यानी कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट किसको छोड़कर, -10/3 को, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, डी इज राइट ऑप्शन। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये और ये दो इक्वेशन दे रखी है इज इनकंसिस्टेंट इज, तो देखिएगा
इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कब बताया था मैंने आपको, जब सॉल्यूशन नहीं होता यानी पैरेलल वाले में, यानी कि क्या होगा आपका, पहले मैं चलिए लिख देता हूँ 19 में, आप ध्यान से देखिएगा कि x प्लस टू वाई माइनस के 3a इक्वल टू जीरो और 5x प्लस के वाई और प्लस 7 और इक्वल टू में आपका जीरो, तो आप देखेंगे कि पहला इक्वल होगा दूसरा नहीं होगा, कभी हाँ कभी ना, यानी 1/5 और क्या होगा आपका 2/k, लेकिन नॉट इक्वल टू होगा आपका क्या -3/7। अब नॉट इक्वल टू वाले में स्टूडेंट आपका जो ऑप्शन होगा ना तो वो इस तरह से होगा एक्सेप्टेड या नॉट इक्वल करके देगा, तो ऐसे ऑप्शन को ये नहीं तो इसको तो छोड़ दीजिए, अब इन दोनों की क्लोज कर लीजिए, तो के इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 10 आ रहा है डायरेक्टली, है ना, तो के इक्वल टू 10 डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये और ये हैज नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन अभी जस्ट हम करके आ रहे हैं अभी ऊपर, क्या था स्टूडेंट कभी हाँ कभी ना, यानी डायरेक्टली आप क्या ले लीजिए ये के और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ क्या है 6 और इक्वल में क्या ले लीजिए माइनस के 5 और क्या आपका अपॉन में 2। अब देखिए इसमें ना हमें तीसरी कंडीशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नॉट इक्वल्स टू नहीं दे रहा था, तो आप देखिएगा क्लोज मल्टीप्लाई कर दिया आपने, वैसे तो 2 से यहाँ कट कर लीजिए कितना 3, अब क्लोज करेंगे तो कितना आएगा आपका -k 15, तो ए इज राइट ऑप्शन, सिंपल है बिल्कुल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 21, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स तो वहाँ उस कंडीशन में क्या होता है आपका कि तीनों ही कंडीशंस आपकी क्या होती है इक्वल होती है, तो आप देखिएगा, लेकिन यहाँ पर भी देखिए जब दो में काम हो जाएगा हमारा तो हम तीसरी नहीं लेंगे, देखिए कैसे कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2 आपका और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपका के प्लस 2, ओके, या देखिए वाई का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पर है आपका 6, तो आगे वाला हम ले ही नहीं रहे क्योंकि अभी मुझे लग रहा है इसी में काम हो जाएगा हमारा आराम से, देखिए कैसे कि के प्लस 2 की 3 तो के प्लस 2 2 टू 4 और ये के प्लस 2 उधर जाके 2 माइनस हो गया तो 2 बचा और 2 आपको दे रखा है, तो बस हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपका 22nd क्वेश्चन, इफ द लाइंस गिवन बाई ये और ये आर पैरेलल, पैरेलल में होता है कभी हाँ कभी ना, है ना, तो के की वैल्यू बतानी है तो इसमें भी हम पहले ही वाला एक को ले लेंगे स्टूडेंट, बस आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखिए एक्स का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है ये 3 और ये आपका 2, फिर वाई का कोएफिशिएंट क्या है आपका 2k और यहाँ नीचे क्या दे रखा है आपको इसमें 5, बस क्लोज कर दीजिए आप इसमें 2 to the 4k और 5 to the 15, तो k इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका 15/4, तो 15/4 ये रहा सी इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसमें क्या दे रहे हैं आपको 23rd में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी की क्या वैल्यू होगी, विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस वही कंडीशन दिया स्टूडेंट, तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल सेम ऊपर की तरह कर देंगे, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट -1 यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपका पी, यहाँ देखिए वाई का कोएफिशिएंट क्या है आपका पी और यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट -1, क्लोज कर दी तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू आया आपका 1, तो पी इक्वल्स टू आएगा +√1 यानी +1, यानी पी इक्वल आपका 1 भी है -1 भी, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 1 है तो बस 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, तो देखिए स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द लाइंस एक्स इक्वल्स टू 1 एक लाइन ये है, वाई इक्वल्स टू 2 एक लाइन ये है एंड ए स्क्वायर एक्स प्लस 2 वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0 एक लाइन ये है आर कॉन्करेंट इज। देखिएगा अगर ये तीनों लाइंस आपके कॉन्करेंट हैं तो आप बताइए कि ए की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट ये लगा देंगे कि एक्स की वैल्यू 1 है वाई की वैल्यू 2 है, इसमें पुट कर दीजिए तो आपका ए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग समझना है हमने, ये जो वर्ड आया ना आपका कॉन्करेंट इसका मीनिंग है आपका कि 3 लाइन्स है सपोज दैट, आप एक लाइन ये मान लीजिए ए बी, एक लाइन ये मान लीजिए सी डी और एक लाइन ये मान लीजिए, ठीक है एक लाइन ये मान लीजिएगा ई एफ, तो आप देखिए तीनों लाइंस जो है एक ही पॉइंट से पास हो रही है, एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो जब तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती है, जैसे कि क्या है अगर 2 लाइंस एक पॉइंट से पास होती है तो इंटरसेक्टिंग कहलाती है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती है तो वह कॉन्करेंट कहलाती है।
तो इसमें ऐसा भी हो सकता था कि आपको पूरी पूरी इक्वेशंस इस टाइप से दे रखी होती। आप देखिए ध्यान से इसमें कि मैं भी आपको क्या दे रखा होता उसने, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कभी रट्टा मार के ऐसे कुछ हो जाए आप। देखिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, और थर्ड इक्वेशन और होती है आपकी, मान लीजिए ए थ्री एक्स प्लस के वाई और प्लस सी थ्री और इक्वल टू में जीरो। सपोजिट ये थ्री इक्वेशन आपको दे रखी होती है उसने, तो आप इन तीनों इक्वेशन में क्या करते हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं, आप इन तीनों इक्वेशन में फिर क्या करते हैं इसी कंडीशन में स्टूडेंट, बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं आप, पहले सॉल्व करते हैं किसको, फर्स्ट को और सेकेंड को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। और जब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से दोनों से एक्स आ जाता और वाई आ जाता, फिर उसको कहाँ पुट करते, पुट इन थर्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इनके कॉमन सॉल्यूशंस होंगे जब एक ही पॉइंट से पास होंगी तीनों, तब जाके आपकी के की वैल्यू आती है ना। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करा दी है। अब आप अपना आंसर देख लीजिए जो आप राइट साइड में देख लीजिए, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है क्योंकि यहाँ पर ना लाइन से सीधी है कि एक तरह से उनमें वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड है एक्स और वाई की, तो वो डायरेक्टली पुट कर दीजिए देखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसके, है ना। देखिए ए स्क्वायर और एक्स, एक्स के प्लेस पर हमने क्या पुट करना है, वन प्लस टू इंटू वाई, वाई के प्लेस पर टू और माइनस के 20 और इक्वल्स टू में जीरो। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर की बनती है, तो ए स्क्वायर प्लस ये आपका फोर माइनस के 20 इक्वल्स टू जीरो। देखिएगा ध्यान से बिल्कुल, 20 में से ये फोर गया तो माइनस का 16 बचा, माइनस का 16 राइट में जाके प्लस का हो गया, और यहाँ से अगर ए हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो किस पे जाएगा, प्लस माइनस के स्क्वायर रूट में, तो प्लस माइनस का 4 आ रहा है। अब यहाँ पर माइनस 4 दे रखा है ओनली, तो माइनस 4 हो गया आंसर आपका, 24th का सी पार्ट हो गया। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। देखिए 25th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये एंड ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए मेथड का तो कोई रोल ही नहीं रह जाता जब आपको डायरेक्टली, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, आप डायरेक्टली ना पुट करेंगे वैल्यू, जैसे x इक्वल थ्री पुट कर लीजिए यहाँ पर और y इक्वल क्या टू। देखिए थ्री और एट टू सिक्सटीन, सिक्सटीन और कितना आपका थ्री, कितना हुआ आपका 19, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर दूसरी इक्वेशन में देखिए x इक्वल क्या पुट करेंगे थ्री, तो थ्री टू सिक्स और यहाँ पर टू रखेंगे तो इलेवन टू ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू और सिक्स 28, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसी तरह से बिल्कुल सेम नीचे देखिएगा, बिल्कुल देखिए क्या दे रखा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये दे रखी है आपको ना, काफी बड़ी बड़ी और दिखने में आपको मुझे पता डेंजरस सी लग रही होंगी ना। आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल वही प्रोसेस है भाई, क्या करेंगे हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर वन, तो क्या आएगा आपका, देखिए मैं पुट करके दिखा रहा हूँ आपको ए ऑप्शन का, है ना। तो क्या लिख किया मैंने, ए इंटू वन प्लस बी इंटू माइनस का वन, क्योंकि वाई कितना आपका यहाँ पर ये माइनस वन है और माइनस ए एज इट इज प्लस बी एज इट इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप देखिए ये ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी आ रहा है तो ये जीरो, जीरो इक्वल जीरो आ गया, सब कैंसिल हो गया आपस में ना। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में पुट करिए इसमें और इसमें, तो क्या करेंगे बी इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पर वन और माइनस ए इंटू वाई, वाई के प्लेस पर माइनस वन और माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ रहा है बी और ये माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, तो देखिए ये भी पूरा का पूरा कैंसिल होकर जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। देखिए 27th क्वेश्चन आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर्स के बिटवीन जो डिफरेंस है वो कितना 26 है। आगे की कंडीशन देखिए क्या दे रखा है आपको, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर, है ना। दो कंडीशंस दी है कि उनका डिफरेंस कितना है आपका 26 है, और एक नंबर जो है वो अपने दूसरे नंबर का क्या है आपका थ्री टाइम्स है। तो देखिएगा बड़े कंसंट्रेशन के साथ, बहुत आसान है आपका, कोई तो मुश्किल नहीं है। देखिएगा ये तो हो ही नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि एक नंबर दूसरे का थ्री टाइम्स नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब या तो सी होगा आपका या डी होगा, क्यों, क्योंकि 13 जो है वह थ्री टाइम्स है किसका, 13 का अगर मैं थ्री टाइम्स करूंगा तो कितना आएगा 39, यानी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है वो, सॉरी दूसरी और पहली कंडीशन थी इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस देखिए 39 माइनस 13 कितना आ रहा है 26, ओरली हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देखिएगा आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28,
टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, टू नंबर्स जो है वो किस रेशियो में आपके 5:6 में है। इफ एट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, अगर हर एक में से एट को माइनस किया जाए, हर एक नंबर में से एट को माइनस किया जाए, द रेशियो बिकम्स 4:5। अब यहाँ भी देखिएगा, दो कंडीशंस आ गई आपकी, तो दो कंडीशन से तो दो कलर कर लिए मैंने कि अगर हर एक में से एट को माइनस किया जाए तो रेशियो क्या आएगा, ये आएगा। तो पूछा है देन दी नंबर्स आर कितना एंड कितना होगा, तो आप देखिएगा फटाफट, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या दे रखा है आपको इसमें, देखिए सबसे पहले 5:6, तो आप देखिए इनका रेशियो कितना आ रहा है, अगर मैं इसको कैंसिल करूं किससे, 4 से, तो 4 1 जा 4 2 जा और 4 5 जा, तो ये तो नहीं है। देखिए इन दोनों को कर लीजिए, अगर मैं इसको 4 से करूँ 4 10 जा और 4 7 जा, तो ये भी नहीं है। अब देखिए 40 और 48, 8 का टेबल दोनों में जा रहा है, इसको कट किया तो 5, इसको कट किया तो कितना है आपका 6, तो ये तो आ रहा है। लेकिन आप देखिए 20 वाला भी करके देख लीजिए क्या है आपका, अगर मैं इसको कट करूंगा किससे, 4 से, तो 4 5 जा और 4 6 जा, तो इन दोनों का जो है रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक है आपका आंसर। अब आप क्या कीजिए, सी पर ही कर लीजिए, पहले सी चेक कर लीजिए, उसने कहा दोनों में से अगर 8 को माइनस करें, यानी 40 में से भी 8 को माइनस कर लीजिए तो कितना आ रहा है 32, और 48 में से भी आप 8 को माइनस कर लीजिए कितना आ रहा है आपका 40। अब इनका रेशियो निकालिए, देखिए 8 से 8 का टेबल जा रहा है, 8 4 था और 8 5 था, तो 4:5, हाँ जी 4:5, यही आंसर है आपका, राइट ऑप्शन इज सी। 29th क्वेश्चन देखिए, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, देखिएगा आप इसमें, इसमें क्या कहा है, कंसिस्टेंट बोला है और एक्स इक्वल टू वाई इक्वल थ्री बोला है, लेकिन दोनों का मीनिंग तो एक ही हो गया है ना, कंसिस्टेंट मतलब कि सॉल्यूशंस निकलेंगे, और एक्स इक्वल टू वाई इक्वल थ्री यहाँ सॉल्यूशन निकाल के दिखा दिए, और यहाँ कहीं ऐसा ऑप्शन है नहीं कि तीनों होंगे या मान लीजिए दोनों होंगे, तो इसका मतलब ये ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, समझ गए, ये वाले ऑप्शंस तो आपके हो ही नहीं सकते। अब बात आती है कि नो सॉल्यूशन होगा या ऑल रियल वैल्यूज होगी, तो अब हम यहाँ पर ऑल रियल वैल्यूज भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ऑल रियल वैल्यूज का मतलब होता आपका कि कहीं ना कहीं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता तो वो भी कंसिस्टेंट होता, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर तो डायरेक्टली यही आ गया आपका। बट अगर आप इसको चेक करना चाहें तो वही a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 के रेशियो से कर दीजिए, क्या हुआ ये आपका a1 है और ये अपॉन में a2 यानी 4, और क्या आपका यहाँ पर ये देखिएगा 3 और नीचे कितना है आपका इसमें 6 है ना, और देखिएगा -8, -8 क्यों लिया मैंने, क्योंकि राइट साइड में लेफ्ट में आऊंगा तो माइनस होगा, और ये 7 भी माइनस, तो देखिए ये आपका 1/2 आ रहा है, ये भी आपका 1/2 आ रहा है, बट ये जो है आपका 8/7 आ रहा है जो कि इक्वल नहीं है इनके, तो कभी हाँ कभी ना, इसी सिचुएशन से बचना है आपने, यानी नो सॉल्यूशन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है आपका नेक्स्ट, आपका 30th, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन दी फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना, इन इक्वेशंस में हमने एक्स एंड वाई के वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए ऑप्शन से चेक भी कर सकते हो आप, ठीक है, और यहाँ पर आप एक चीज वो देख सकते हो कि अगर इक्वेशंस आपको बेहद ही इजी दे रखी है, बेहद ही इजी का मतलब है आपका, देखिएगा ये 5x और ये क्या है आपका +3y, ये मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, ये 6x आ रहा है और ये आपका 18, तो x इक्वल क्या आ रहा है सीधा 3, यानी ना इक्वल बनाने की जरूरत है ना ही कुछ, है ना, और x इक्वल 3 जो है वो सिर्फ किसमें आपका फर्स्ट में, बट नन ऑफ दीज भी आंसर है बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम ए पर लगा कर आगे बढ़ जाएं तो थोड़ा सा रिस्की होगा, तो हमने क्या करना पड़ेगा फिर, इसको वाई भी फाइंड करना पड़ेगा इस कंडीशन में, तो आप देखिएगा वाई फाइंड कर रहा हूँ इधर, ये देखिए एक्स इक्वल फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट है और ये क्या है आपकी सेकेंड है ना, तो फर्स्ट में मैं क्या रख रहा हूँ 3 पुट कर रहा हूँ, -3y और इक्वल्स टू में 8, ये 3 यहीं रहा, 8 लेफ्ट में आकर माइनस हो गया और ये 3y उधर जाकर प्लस हो गया, तो ये कितना बचा -5 और ये अपॉन में आ गया तो वाई इक्वल ही है, इसका मतलब हमारा आंसर ए इज राइट आंसर। 31st क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कुल मिलाकर एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो आप देखिए टफ इक्वेशन दे रखी है, आपने देखा होगा ऑप्शनल में थी इस टाइप के क्वेश्चंस की, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो यहाँ वाई का है और जो यहाँ वाई का है वो वहाँ यहाँ एक्स का है,
इसको सॉल्व करने का वे जो था आपने सीखा होगा कि एक बार इनको ऐड कर देते हैं, एक इक्वेशन आती है, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दूसरी इक्वेशन आती है। बट बच्चों यहाँ पर हम इस वे में नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा एक्स इक्वल टू हम पुट कर रहे हैं तो देखिएगा 41 इंटू टू और प्लस में 53 और इंटू में 3 और सामने सिर्फ 135 है। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 53 इंटू 3 भी 135 से ज़्यादा है, यानी इक्वल नहीं हो सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका है नहीं। चलिए बी चेक करते हैं फटाफट। बी में क्या है आपका, एक्स इक्वल वन वाई इक्वल टू, तो देखिए 41 इंटू में 1 और प्लस में 53 इंटू में 2 और इक्वल टू में 135। अब देखिए ये आ भी सकता है शायद आ जाए, देखिएगा 41 का 41 और ये 236 और ये 25 10 हो गया आपका, तो सामने 135 है तो ये भी नहीं आ रहा। ये देख सकते हैं आप 41 है और ये आपका 106 है, सामने सिर्फ 135 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका गलत है। अब आप सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं फटाफट। तो 41 इंटू में 3 और प्लस में 53 और इंटू में 2, तो ये भी आपका क्या है स्टूडेंट, ये इससे ज़्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 41 थ्रीजा हो गया आपका, 50 ये आपका 106 तो था ही, तो ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, जब 3 नहीं आए आपके, है ना, तो डी आपका सही ही होगा। बट क्या है, चेक कर लीजिए, कोई नहीं, आप देख सकते हैं कि 41 इंटू 2 और प्लस में 53 इंटू में 1 और सामने 135, तो ये देखिएगा कितना है 82 और प्लस में 53 और बिल्कुल हाँ ये इक्वल ही आ रहे हैं। तो अब देखिए वैसे तो तरीका ये है कि हम दूसरी वाली को भी चेक करेंगे, ठीक है, तब जाके आंसर क्लियर होता है, लेकिन अब जब आ ही गया तब छोड़िए ना, देखिएगा आगे वापस में। देखिए 32 क्वेश्चन आप इसमें, इफ दिस एंड दिस देन एक्स माइनस वाई इज, एक्स माइनस वाई पूछा आपसे, ठीक है, क्या पूछा स्टूडेंट इसमें, एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछी है ना 32 में। तो देखिएगा कोई मुश्किल काम नहीं है वैसे तो, यहाँ पर आप हो सकता है कि क्या करने लग जाए, दोनों को सॉल्व करने लग जाए, बट अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से देखें ना स्टूडेंट इसमें, तो देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए फर्स्ट और सेकेंड है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ ना डायरेक्टली, तो देखिए 3x में से 1x गया माइनस x, 2y में से 3y गया तो कितना बचा आपका प्लस के 1y और इक्वल टू में 10 में से 5 गया तो माइनस का 5, लेकिन मुझे माइनस x प्लस y नहीं चाहिए बल्कि मुझे चाहिए x माइनस y, तो माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस y हो गया और सामने कितना आपका माइनस 5, तो माइनस से माइनस गया तो x माइनस y इक्वल टू 5, तो ये सी इज राइट आंसर। बाकी आप क्या करेंगे, नहीं तो सॉल्व करेंगे पूरा, और सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, एक्स और वाई फाइंड करेंगे, फिर एक्स में से वाई को माइनस करके दिखाएंगे कि 5 आ रहा है। बट डायरेक्ट अगर देखें ध्यान से तो ये क्वेश्चन इस तरह से सेटअप करके दिए कैलकुलेशन आपको, कि बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें, इफ एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ए और बी एक्स और वाई इक्वल है, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, ये सीधी सीधी इक्वेशन दे रखी है आपको, देन द वैल्यूज ऑफ एन बी आर 3 एंड 2। तो देखिए कंफ्यूज करने के लिए उसने ए और बी का यूज किया यहाँ पर, अरे भाई सिंपल है, ए और बी जब इक्वल है एक्स और वाई के, तो एक्स की जगह आप क्या रखिए ये वैल्यू 3 और वाई की जगह क्या रखिए आप 2, तो अगर 3 माइनस 2 करेंगे आप तो कितना आएगा 2 या 1, 1 आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है फॉल्स है आपका, ठीक है। ठीक है 34th क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस ये दे रखिए और ये दे रखिए आपको, हैज बताना इसमें। अब देखिएगा सिंपल है आपका, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है इसमें, क्या आपका 3 टू द पावर x प्लस y आपको नजर आ रहा है और सामने जो 81 है ना, 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, तो अगर पावर की पावर से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दीजिए। अब राइट में देखिए क्या है आपका, यहाँ 81 है ना ये, तो आप क्या करेंगे इस 81 का 3 टू द पावर 4 और बाकी क्या है आपका x माइनस वाई और इक्वल्स टू 3, यहाँ पर 1 है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 4x माइनस 4y और इक्वल्स टू 1, क्या क्या इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया और सीधा कंपेयर कर दिया आपने, ठीक है, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब उसने वैसे तो आपको वैल्यूज भी दे रखी है, ठीक है, उसने आपको यहाँ पर वैल्यूज भी दे रखी है और आपको ये जो है ये डी ऑप्शन में वैल्यू भी दे रखी है आपको, उसने दे रखी है ना क्लियर बिल्कुल आपको,
और बाकी उसने ये सॉल्यूशंस वगैरह भी पूछे हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपल इक्वेशन से देखिए, अगर मैं इसमें फोर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा आपका यहाँ पर 4x, और क्या आएगा 4y और इक्वल्स टू में 16। तो यहाँ पर ले आइए सीधा 4x-4y इक्वल्स टू में 16 आपका। ओके, तो आप देख पाएंगे इसमें आराम से कि यहाँ पर ये माइनस था और ये आपका नीचे वाला प्लस आया, तो ये कैंसिल, ये क्या हुआ आपका 8x = कितना 1 और 16 17 हो गया आपका, तो x = 17/8। और अगर आप इसे डिवाइड करके लिखेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या आएगा 8 2 2 और ये 1/8, तो x की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है, बट बिना y के वैल्यू के आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो देखिए कोई मुश्किल भी नहीं, अगर आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देख पाए इसको तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट करके भी हो सकता था ये। इससे एक्स की वैल्यू रख दीजिए 2 and 1/8 और वाई की वैल्यू ये आपका 1 and 7/8। तो देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3, और फिर ये 1/8 और ये 7/8 अलग कर लीजिए, तो ये 1 और 7 कितना हो 8, 8/8 यानी 1, तो 3 + 1 कितना हुआ आपका 4। तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है दोनों वैल्यूज आपकी, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। देखिए 35th, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स एक्स एंड वाई इज 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो आप देखिएगा ध्यान से, आप इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, अगर तीनों एंगल का सम हम करेंगे तो हमेशा कितना आएगा आपका 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया स्टूडेंट, ये 40 तरह का माइनस, तो 140 बचा। अब आप इसमें क्या कीजिए, जो उसने दिया है सिंपल आपको बिल्कुल, ये 85 और ये 55, 85 + 55 करके देख लीजिए कितना आ रहा है आपका 85 + 55, तो ये कितना आएगा आपका 5 और 5 10 और 5 और 8 13 और 1 14, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आपका एक्स और वाई में डिफरेंस कितना बताया उसने आपका 30 डिग्री, तो एक्स वाई में 30 डिग्री बताया तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, तो कितना आ रहा है आपका 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3, तो बिल्कुल ट्रू है बच्चों ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, देखिएगा द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर्स एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज 110, यानी कि टू डिजिट नंबर और अगर हम उसको इंटरचेंज करें डिजिट्स को तो वह नंबर दोनों का सम 110 है। आगे देखिए इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यानी जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से अगर 10 को माइनस कर दें, द न्यू नंबर इज 4 more than, न्यू नंबर जो है 4 ज्यादा होगा, 5 times द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर यानी ओरिजिनल नंबर है उसकी डिजिट्स का जो सम है, ठीक है, उसकी डिजिट्स का जो सम है उसके 5 times से 4 more than होगा। तो उसने आपसे कहा है कि नंबर जो है पहला ओरिजिनल जिसके बच्चे 64 है, तो चेक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा 64 सबसे पहले और इसको पलट कर लिख दीजिए, यानी कि रिवर्स नंबर इसका इंटरचेंजिंग 46 और मैंने प्लस किया तो हाँ जी बिल्कुल 110 आ रहा है, पहली कंडीशन तो फुलफिल कर गया। अब देखिए सेकंड वाली, अगर हम इस ओरिजिनल नंबर में से 10 को माइनस कर दें, तो माइनस कर दिया मैंने, कितना आ रहा है आपका ये 54। ओके, ये लिखकर छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए, इसकी डिजिट्स का सम, तो डिजिट्स क्या थी आपकी 6 और 4, इनको प्लस कर दिया डिजिट्स को और इसका 5 times और + more than 4 ये लिखा है ना, ये 5 times और more than 4, तो ये करके देखिए आप कितना आ रहा है आपका 10 into 5 + 4, तो ये आ गया स्टूडेंट 50 50 और 4 54, तो बिल्कुल ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही आंसर है कि आपका क्या 64 ही ऐसा नंबर होगा जिसको उसके अगर हम इंटरचेंजिंग नंबर में ऐड करेंगे तो 110 आएगा। दूसरी बात, अगर अगर 64 में से हम 10 को माइनस कर दें तो ये 64 में जो डिजिट है 6 और 4 उसके सम के 5 times से more than आएगा, तो बिल्कुल सही है। देखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत, सारे क्वेश्चन आपके वो ही नहीं के ओरली हो जाएंगे, एकदम इजी हो जाएंगे।
कुछ क्वेश्चंस थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे आपके, देखिएगा ये है एनसीईआरटी बेस्ड ही। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाई 76 यूनिट्स इफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 2 यूनिट्स। अगर उसकी लेंथ और ब्रेथ को कितना बढ़ा दिया जाता है, 2 यूनिट्स बढ़ा दिया जाता है, तो उसका एरिया जो है कितना बढ़ जाता है, 76 स्क्वायर यूनिट्स। हाउएवर इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई, अगर लेंथ को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स, द एरिया ऑफ सेट इज रिड्यूस्ड बाई 21 स्क्वायर यूनिट्स। तो फाइंड करा रहे हैं आपसे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अगर यहाँ लेंथ भी दे रखी होती तो इजी हो जाता क्वेश्चन, बट ओनली ब्रेथ पूछ कर उसने ही यहाँ पर आपका क्वेश्चन टफ कर दिया है। देखिए आप लेट कर लीजिए कि लेंथ आपकी कितनी है एक्स और ब्रेथ आपकी कितनी है वाई, तो एरिया आपको पता है क्या होता था, एल इंटू बी, यानी कि क्या होगा एक्स इंटू वाई, तो कितना हुआ एरिया एक्स वाई। अब उसने कहा कि अगर हम लेंथ को भी 2 से बढ़ा दें, ब्रेथ को भी 2 से बढ़ा दें, तो एरिया जो पहले था एक्स वाई अब कितना बढ़ जाएगा, 76 इंक्रीज हो गया, इंक्रीज मतलब प्लस कर दिया, और ये भी तो एल इंटू बी ही है ना, ये नई लेंथ और नई ब्रेथ है। तो आप देखिएगा एक्स की वाई से होगी तो एक्स वाई, एक्स की 2 से होगी तो 2x, फिर 2 की y से होगी तो 2y, फिर 2 के 2 से होगी तो 4, और इक्वल्स टू में एक्स वाई और प्लस में 76। एक्स वाई से एक्स वाई गया आपका, बच्चा क्या 2x प्लस 2y, और ये 4 उधर जाकर माइनस हो गया, तो कितना बचा आपका 72। 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा, तो कर दीजिए तो x प्लस वाई क्या बचा आपका सामने 36, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड कंडीशन उसने कही है आपकी कि क्या किया जाए अगर हम लेंथ को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें कितना 3, और ब्रेथ को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें कितना 3, तो कितना हो जाएगा एरिया, पहले वाले में से कितना कम हो जाएगा 21, तो ये कम कर दिया मैंने। तो अब देखिए एक्स की वाई से हुई तो एक्स वाई, फिर माइनस 3x, फिर 3 की वाई से होगी तो प्लस 3y, और फिर प्लस 3 की माइनस 3 से तो माइनस पे 9, इक्वल्स टू एक्स वाई और माइनस पे 21। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आपका, तो ये बचा आपका माइनस के 3x प्लस का 3y, और ये माइनस 9 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका कितना माइनस का 12। अब देख सकते हैं आप इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना है आपका माइनस का एक्स प्लस का वाई, और 3 से डिवाइड होकर ये माइनस 4, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को एक दूसरे के क्या कर लीजिए, साथ लिख लीजिए, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आपसे उसने ब्रेथ पूछी है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वाई को कैंसिल नहीं करेंगे एक्स को, ये ऐड होने पर ही हो रहा है कैंसिल, तो क्या हुआ ये कितना है आपका वाई और वाई 2y, और ये सामने कितना है आपका 36 में से 4 गया तो आपका 32, तो वाई प्लस टू ओनली 16 आ रहा है आपका, तो बी इज राइट ऑप्शन। सारे आंसर छोटे नहीं, कुछ बड़े भी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके थोड़े से जो कि आप कर सकते हैं आराम से, कोई मुश्किल नहीं है, इतना टाइम होगा वहां पर, बाकी के क्वेश्चन में आपका टाइम बच भी तो रहा है। देखिए 38 क्वेश्चन आपका, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 व्हेन 1 इज एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ध्यान से देखिएगा कि क्या कहा, फ्रैक्शन को जो हम लेट करते थे स्टूडेंट, वो करते थे एक्स अपॉन वाई, ये न्यूमरेटर होता है आपको पता है, और ये क्या होता है डिनोमिनेटर। अब उसने कहा कि अगर हम 1 ऐड कर दें किसमें आपका, दोनों में, इसमें भी 1 को ऐड कर दें और इसमें भी 1 को ऐड कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 4/5 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे उसने क्या कहा है, हाउएवर इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच ऑफ देम, अगर दोनों में से 5 माइनस करेंगे तो इतनी हो जाएगी फ्रैक्शन, तो हमें न्यूमरेटर बताना है। आप देखिएगा ध्यान से कि वह कह रहा है कि अगर हम दोनों में से 5 माइनस कर दें, एक्स में से भी वाई में से भी, यानी न्यूमरेटर में से भी डिनोमिनेटर में से भी, तो क्या हो जाएगी 1/2। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, 2x माइनस 2, 5 का 10, और ये वाई माइनस 5, तो ये 2x माइनस वाई और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 5, माइनस 10 से जाकर प्लस 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा आपका, तो ये सेकंड इक्वेशन है आपकी। यहाँ देखिएगा आप इसमें ध्यान से, ये कैसे आ रही है आपकी, है ना, इसमें भी क्रॉस कर लीजिए तो क्या आ रहा है आपका 5x प्लस 5 और इक्वल्स टू 4y प्लस 4,
कुल मिलाकर ये आया आपका 5x और ये माइनस 4y लेफ्ट में आकर, और ये 5 इधर जाके माइनस किया तो माइनस का 5, माइनस के 5 में से 4 गया तो माइनस का 1। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से, आपसे उसने क्या पूछा है, न्यूमिरेटर यानी एक्स की वैल्यू पूछी है, तो वाई वाले को कैंसिल करना है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आइए। तो 4 2 का क्या हुआ 8x और 4y और 4 5 का 20। तो आप देख सकते हैं ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई एक तरह से। ये आपका साइन चेंज होंगे इधर भी और इधर भी, तो आपका ये क्या हुआ ये कैंसिल, और ये आपका माइनस 8 में से 5 गया तो माइनस का 3x बचा, और ये माइनस 20 और माइनस का 1 माइनस 21 माइनस से माइनस का x इक्वल कितना गया 7। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, 6 इयर्स हेंस है ना बी, ध्यान से देखिएगा 6 इयर्स हेंस अ मैन एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन है ना बी, 6 साल बाद जो है एक आदमी की एज अपने बेटे की 3 टाइम्स हो जाएगी, और 3 इयर्स अगो 3 साल पहले जबकि क्या था ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, कि वे 3 साल पहले जो था अपने बेटे की एज का कितना था 9 टाइम्स था। तो प्रेजेंट एज पूछिए इस मैन की। अब देखिएगा अगर मैं ऑप्शन से लेकर चलूं अच्छा रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अगर मैं ए ऑप्शन का यूज करता हूं और इसमें से 3 को माइनस करता हूं, किसको 3 को, तो कितना है 25। अब ये 25 जो है 9 इंटू करके लिखा जा सकता है क्या, 9 इंटू यानी किसी का 9 टाइम्स होता है क्या 25, नहीं होता, तो इसको कट कर दीजिए। आप बी ऑप्शन लीजिए, तो बी ऑप्शन में कितना है 30, 30 माइनस अगर 3 करूंगा तो कितना है 27, तो 27 तो हो सकता है ना 9 टाइम्स, यानी क्या लिखा जा सकता है 9 इंटू 3, तो हो सकता है उसका बेटा 3 साल का हो 3 साल पहले, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन अभी नोट करके चलिए, मे बी ये सही हो। अब देखिए सी ऑप्शन आप, तो क्या हो 32 माइनस 3 तो कितना हुआ आपका ये 29, ये तो किसी का 9 टाइम्स हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं है। डी देखिए आप इसमें, तो 34 माइनस 3 तो कितना है आपका 31, ये भी नहीं हो सकता, तो बी इज राइट ऑप्शन। पहले तो ऑप्शन से करा दिया मैंने आपको, अब आप देखिए कि इसको करने का तरीका वैसे क्या हो सकता है बेसिकली, और अगर हम करना चाहें तो, ठीक है, कि वही बेसिक आपका 6 ईयर सेंस, मतलब जो मैन है उसकी परसेंटेज कितनी हो गई एक्स, और जो सन है उसकी परसेंटेज कितनी हो गई वाई। अब अगर हम 6 ईयर सेंस की बात करें तो 6 साल बाद तो एक्स प्लस कितना होगा आपका 6, और ये भी कितना होगा वाई प्लस 6। तो उसने कहा कि 3 टाइम्स रह जाएगी एज किसकी, आदमी जो है 3 टाइम्स रहेगा बेटे का, तो बेटे को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वल आ रहा है, तो क्या आ रहा है आपका एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 3y और प्लस 3 18। तो आप देखिए एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 6 18 में से माइनस किया तो कितना बचा 12। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका 3 इयर्स अगो यानी 3 साल पहले, तो ये भी 3 साल पहले और ये भी आपका 3 साल पहले, तो आप देखिएगा कितनी थी 3 साल पहले 9 टाइम्स, ठीक है, कितनी थी 9 टाइम्स, तो आप देखिएगा 9 टाइम्स के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है आपका, है ना, ये रहा, तो x माइनस के 3 और ये 9y और माइनस के 9 3 27, तो ये x और ये माइनस के 9y और इक्वल्स टू में माइनस 27 में से माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस 3 हो गया तो माइनस का कितना बचा 24। अब देखिएगा इनको ऊपर नीचे लिख लीजिए, है ना, ये आ गया। अब बल्कि ऊपर नीचे भी मत लिखिए क्योंकि आपसे किसकी पूछी है मैन की, यानी कि क्या एक्स पूछा है, तो एक्स पूछा है तो एक्स को कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि वाई को, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना है आपका ये 3x और ये माइनस के 3 3 9y और ये कितना 3 12 था 36। तो ये आ गया आपके थर्ड इक्वेशन। तो अब आप देखिएगा ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आपका, तो ये माइनस का 2x और सामने कितना हुआ आपका माइनस के ये 6 और 4 आपका एड होकर ये आया और ये 3 और 2 कितना हुआ आपका 5 और 1 6। तो x इज इक्वल्स टू जो है आपका कितना आ रहा है 30 आ रहा है, लेकिन ये जो है ना ये बिल्कुल ओल्ड हो गया, जो आपको मैंने तरीका बताया ना लेफ्ट वाला बिल्कुल बेस्ट मेथड है आपका, बड़े आराम से कर सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से। देखिए 14th क्वेश्चन,
अरुणा हैज ओनली रुपीज वन एंड रुपीज टू कॉइन्स विद हर. ओके, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50. अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो कितने 50 है एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज रुपीज 75. यानी अगर कॉइन्स काउंट करें एक दो तीन करके तो कितना आएंगे 50, 50 आएंगे. लेकिन अगर उनका अमाउंट जोड़े जैसे एक का भी है दो का भी है उसमें तो क्या होगा कितना आएगा 75, 75 आएगा. तो कहा है एक और दो रुपए के कितने कितने होंगे. तो आप देखिए पहली बात तो यह है कि टोटल कितने 50 है. ठीक है, टोटल कितने 50, तो टोटल 50 ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि नन ऑफ दीज भी है ना, प्रॉब्लम यह है. तो इनकी अमाउंट देख लेते हैं, बी वाले की अमाउंट देख लेते हैं. बी वाले की अमाउंट कितनी होगी 25 जो है सिक्के किसके एक रुपए के, तो ये हो गया. और 25 जो है वो किसके हैं दूसरे वाले दो रुपए के, तो ये हो गया. तो इनके अमाउंट देख लेते हैं 25 और प्लस 50 तो कितना हो 75. तो आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर है ना, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं, आपको बड़े आराम से कर देंगे. देखिए दिल्ली घूमते हैं इसमें क्या आपका 41 क्वेश्चन में. फ्रॉम अ बस स्टैंड इन दिल्ली इफ वी बाय टू टिकट्स टू पीतमपुरा एंड थ्री टिकट्स टू दिलशाद गार्डन द टोटल कॉस्ट इज रुपीज 46. ओके, इसी तरह से आगे देखिए. इफ वी बाय थ्री टिकट्स टू पीतमपुरा एंड फाइव टिकट्स टू दिलशाद गार्डन द टोटल कॉस्ट इज रुपीज 74. आप देख सकते हैं दो कंडीशन दे रखी है. देन द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू पीतमपुरा एंड टू दिलशाद गार्डन इज, तो आप बताइए कि कितना कितना मतलब इसमें किराया होगा, है ना, दोनों कंडीशंस का. तो आप देखिए फर्स्ट कंडीशन वही है कि आपने क्या कर लिया, जो भी बस स्टैंड है उससे आपने क्या कर लिया, पीतमपुरा का एक्स रुपीज मान लिया, ठीक है, और दिलशाद गार्डन का वाई रुपीज मान लिया. तो कितना हुआ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितने रुपए का आपका 46 का, है ना, 46 का. तो सबसे पहले तो इसी में पुट करके देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, अगर चार में से सिर्फ एक करें तो ये 8 और 100 तो हो ही नहीं सकता, है ना. दूसरा 10 और 8 देख लीजिए कभी हो, 2 × 10 और प्लस में 3 × 8 तो ये कितना आ रहा है 20 और ये कितना आ रहा है आपका 24. तो ये भी 46 के इक्वल नहीं है हमें दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा. अब आप देखिए 8 और 10 तो आप देख लीजिए 2 × 8 कर लीजिए और y की जगह आप क्या पुट कर लीजिए 10. तो 2 × 8 = 16 और प्लस 3 × 10 = कितना हुआ आपका 30. तो ये 46 ही आ रहा है, ये 46 = 46 आ रहा है. तो ये ऑप्शन हो सकता है और दूसरा वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने पहली से क्या दे दिया लास्ट वाला 20 और 5 दे रखा है. तो 2 × 20 करूंगा तो 40 हो जाएगा और 5 × 3 करूंगा 15, 55 आ रहा है. तो क्या आपका सिंपल सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है. इस दूसरी कंडीशन की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, ऑप्शन इतने अच्छे दे रखे हैं. ठीक है, देखिए 42 क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई. एक्स और वाई की वैल्यू की बात चल रही है. इक्वेशन दे रखी है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करके दे दी है, बट हम क्या करेंगे सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन वाइज करेंगे. तो ए ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं. सबसे पहले 2 और नीचे क्या है एक्स की जगह 2 प्लस 3 और नीचे क्या है वाई की जगह 3. हमने पुट करके देखा तो 13 तो नहीं आएगा क्योंकि ये भी बना रहे ये भी बना रहे, तो 2 आना चाहिए था, नहीं ऑप्शन ए नहीं है. चलिए दूसरा देख लेते हैं. तो 2 और अपॉन में एक्स की जगह क्या रखेंगे 1/3 प्लस क्या है आपका यहाँ पर 3 और अपॉन में क्या रखेंगे वाई की जगह 1/2. तो देखते हैं 13 आ रहा है क्या. ये कितना आ रहा है आपका 3 × 2 = 6 और ये कितना है आपका 2 × 3 = 6. तो ये 13 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है. चलिए सी देख लेते हैं, सी वाले पे हम चेक करेंगे. तो क्या आपका 2 का 2 ही है और नीचे एक्स है ना, तो एक्स की जगह क्या लिखूंगा 1/2 और प्लस 3 का 3 और नीचे क्या आपका 1/3 और एक कस्टू में 13. तो ये वाला देखिए 4 और ये आपका 9, 9 और 4 13 होता है, तो 13 = 13 ये आ रहा है. लेकिन आप ये भी चेक कर लीजिए ये 3 और 2 नहीं, ये नहीं आएगा बिल्कुल. तो आपका सी इज राइट ऑप्शन आप देख सकते हो. देखिए स्टूडेंट ध्यान से, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मतलब वही एक्स और वाई की वैल्यू की बात चल रही है ना. तो डायरेक्टली क्या करेंगे पुट करके देखेंगे फटाफट. देखिए ए ऑप्शन ऊपर 2 है
नीचे क्या है रूट एक्स, एक्स की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं फोर प्लस थ्री है, नीचे वाई, वाई के प्लेस पर क्या है आपका नाइन, और एक कस्टू में टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए टू बाई टू ही आएगा ये रूट से बाहर निकल के, और नाइन का रूट से बाहर निकल के थ्री, तो बिल्कुल सही बात है ये आपका वन 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 और वन टू आ रहा है। अब हम सेकेंड इक्वेशन चेक करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन देखिए फोर, और नीचे क्या है आपका, नीचे है वही फोर और क्या है आपका नाइन, और नीचे क्या है आपका रूट में नाइन, इक्वल्स टू में माइनस वन दे रखा है, देखते हैं ये फोर और नीचे कितना है टू, और ये आपका नाइन और नीचे रूट नाइन का कितना है थ्री, इक्वल्स टू माइनस वन, ये टू हो गया और ये आपका थ्री, तो टू माइनस थ्री माइनस वन होता है, बिल्कुल सही आंसर है, पहले ऑप्शन आपका सही है एकदम। देखिए ये भी वही सीन है, बस आपका ये जो है ना ऑप्शंस थोड़े से अलग दे रखे, मतलब इक्वेशन से बिल्कुल हटके हैं, तो इनको कैसे चेक करेंगे ध्यान से देखिएगा। अगर जब तक मैं ए ऑप्शन और बी ऑप्शन चेक करूंगा तो इक्वेशन को ऐसी रहने दूंगा, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आंसर आ गया तो अच्छी बात है। ए वाला मैं चेक कर रहा हूँ, तो क्या किया मैंने थ्री और प्लस फोर इंटू में फिफ्टीन और इक्वल टू में ट्वेंटी सेवन और इक्वल इंटू थ्री इंटू फिफ्टीन, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये इतना सा जो है इतने सारे के इक्वल कैसे आएगा, नहीं हो सकता, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए बी वाले पर चेक करते हैं, तो ए इक्वल्स टू आपने एक्स इक्वल क्या रखा आपने 15, तो 15 और प्लस 4 इंटू में 3 और इक्वल्स टू में आपका 27 इंटू में 15 इंटू में 3, ये भी इतना बड़ा नहीं हो सकता, देखिए कितना है इतना सा कुल है, तो ये भी नहीं होगा, बी भी गलत है। अब जब मैं सी ऑप्शन रख रहा हूँ ना, तो सी ऑप्शन से पहले मैंने इक्वेशंस में सुधार किया, देखिएगा क्या सुधार किया इसमें, मैंने देखा कि यार ऑप्शन वाली चीज के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ये एक्स वाई में इधर ले आया, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, या आप समझ लो एक्स वाई यहाँ भी था, तो मैंने पूरे को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, तो कैंसिल पूरा, ये वाला वाई कैंसिल, ये वाला एक्स कैंसिल, तो इससे क्या हेल्प मिल जाती है मुझे, वन अपॉन वाई और प्लस फोर अपॉन एक्स और इक्वल्स टू में 27, इससे हेल्प मिल जाएगी मुझे ये वैल्यूज पुट करने में, देखिएगा सी रख रहा हूँ मैं इसमें, तो क्या है वाई की जगह एक्स की जगह क्या रखना है 15 और वाई की जगह 1/3, तो वाई की जगह जब मैंने 1/3 देखा तो 1/y क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू, यह मैं डायरेक्ट पुटना करके ऐसे कर देता हूँ पूरा प्रोसेस वाइज, कभी आप कहो के ये तो बहका दिया, वाई, वाई के प्लेस पर 1/3 ये आ गया प्लस 4, एक्स के प्लेस पर 1/15 और इक्वल्स टू में क्या आपका 27, तो देखते हैं 3 और ये 15 4 था 60, देखिए 3 और 60 तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो ये भी नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर है। अब एक बार आप अपनी तसल्ली के लिए चेक भी कर लीजिए, है ना, क्या है आपका 1/y, y की जगह 1/ क्या है 15 और प्लस में 4/x, x की जगह क्या है 1/3 और इक्वल्स टू में कितना है आपका 27, तो देखिए 15 और ये कितना आपका 12 और 15 जो है आपका 27 ही होता, देख सकते हैं आप। देखिए 45th क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, ये इक्वेशन दी है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी, देखा होगा 3.6 में थी आपकी, और क्या कहा है कि एक्स और वाई के वैल्यू बताइए, और इसे देख के कंफ्यूज मत होना कि एक्स माइनस वन नहीं हो सकता और वाई वन नहीं हो सकता, वो इसलिए कि अगर यहाँ पर माइनस वन रख देंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, और नीचे जीरो आने का मतलब होगा नॉट डिफाइंड, और अगर यहाँ पर हम वाई की जगह क्या रख देंगे वन रख देंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो नीचे जीरो ना आए इसलिए होता है, तो इस कंडीशन से आपका कोई लेना देना नहीं है जो लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसमें ऑप्शन वाइज ही पुट करेंगे हम इसमें फटाफट, तो क्या आपका हम पहले ए का ही यूज कर रहे हैं, क्या किया 5/xx के प्लेस पर 4 और प्लस 1 और माइनस 2 और वाई, वाई का वाई और माइनस के क्या है आपका, तो भी वाई का वाई लिख रहा हूँ, वाई के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे इसमें, वाई दे रखा है आपको 5 और माइनस 1 और इक्वल्स टू में आपका 1/2, तो देखिएगा क्या है 5/5 और माइनस 2/4 में 4 और इक्वल्स टू में 1/2, तो देखिए 1 आ गया आपका और ये आपका 1/2, तो एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, तो ये आपका पहला तो सही है। अब आप दूसरी इक्वेशन में भी पुट करके देखेंगे, जब पहले ही ऑप्शन सही आ रहा है तो दूसरे में भी देखेंगे, अभी मैंने प्रीवियस इक्वेशन प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था उसमें मैंने सिर्फ एक को ही सेटिस्फाई किया था, क्यों, क्योंकि मैं डी ऑप्शन तक पहुंच गया था, डी तक आपका ए बी सी में कोई भी सही नहीं था पहली के लिए, तो जब पहली के लिए डी सही हो गया तो वो तो वैसे भी सही था ही आपका डी बिना चेक किए भी, लेकिन अगर पहले में ही आपका आ रहा है तो आपको दूसरी क्वेश्चन भी चेक करनी पड़ेगी, यानी कि ये तो आप देखिएगा ओरली हो जाएगा बच्चों, ये अगर आप घर पे करेंगे आराम से,
ये एग्जाम में आराम से बैठ कर करेंगे, जब ही होगा जब आप घर पर आराम से बैठकर मेहनत से करोगे ना बार बार, जब होगा। तो आप देखिए x के प्लेस पर क्या है, 4 + 1, और ये आपका क्या है 2 upon y, y के फिर y लिख दिया मैंने, आज y बड़ा अच्छा लग रहा है, 5 - 1 और इक्वल्स टू 5/2। तो आप देखिएगा कितना आ रहा है 10/5, कितना आपका 5, और ये कितना है आपका 2/4 इक्वल्स टू 5/2, तो ये कितना हुआ 2, और ये कितना हुआ हाफ, 2 to the 4 of 1 5, 5/2, 5/2, इसका मतलब ए राइट ऑप्शन आपका। ये स्टूडेंट मैंने 46th क्वेश्चन छोड़ दिया आपका, और 48th भी मैं आपका छोड़ रहा हूँ। उसका रीजन है कि ये एनसीईआरटी के लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, और एनसीईआरटी वाले तो आपने पढ़ी रखे हैं, तो आप उनको प्लीज खुद देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ऑन, है ना। अब देखिए 47th है, तो ये भी एनसीईआरटी का, लेकिन शॉर्टकट में कैसे होगा मैं वो बता देता हूँ आपको। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, इनके जो एक्सपेंडिचर्स का जो रेशियो है वो कितना है आपका 4:3। अगर दोनों ही इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2,000 पर मंथ, अगर दोनों ही 2,000 रुपए बचाते हैं हर महीने, देन फाइंड देयर मंथली इनकम्स फॉर्म अ पेयर ऑफ, वही वाली बात है ना। देखिए मंथली इनकम पूछिए कुल मिला के आपसे उनकी दोनों की अलग अलग कितनी होगी, तो आप ऑप्शन वाइज लेकर चल सकते हैं। सबसे पहले आप पहले ही वाले को देख लीजिए कि इनका रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो अगर 3 0 से 3 0 कट करेंगे और 2 से कट करेंगे दोनों को, तो ये 9:2 कितना आएगा आपका 7। अगर में 9:7 आ रहा है सही है, हो सकता है आंसर हो। अब देखिए इनका अगर 3 0 से 3 0 कट करेंगे, और अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 4 से कट हो रहा है, 4 5 था और 4 3 था, तो ये तो हो ही नहीं सकता अभी तो। अब देखिए आप इसमें ये वाला, इनका भी क्या है आपका, आप 2 से कट करेंगे तो ये 11 और ये कितना है आपका 5, तो ये भी नहीं हो सकता। बट डी दे दिया ना यहाँ पर, ये प्रॉब्लम कर दी, तो ए है या नहीं वो कंफर्म कर लेते हैं। देखिए रेशियो तो आ गया, यानी फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर होगी। अब सेकंड देखिएगा कि अगर इनकी इनकम मैंने मान लिया भाई 18,000 है पहले वाले की, और उसमें से उसकी सेविंग को माइनस कर दिया तो कितना बचा उसका 16,000, यानी कि एक्सपेंडिचर। इसी तरह से दूसरे वाले की कितनी थी 14,000, उसकी भी सेविंग को माइनस कर दिया तो उसका जो एक्सपेंडिचर बचा वो कितना 12,000। अब इनका रेशियो चेक कर लीजिए, अगर इनका रेशियो ये आता है आपका 4:3 आ ही रहा है, देखिए 3 0 से 3 0 हो गए आपके, और ये कितना आपका 4 4 था 4 3 था, तो 4:3 बिल्कुल सही आंसर है आपका, ए इज राइट ऑप्शन। देखिए मैचिंग मिलानी है इसमें कॉलम वन की कॉलम टू से, और ये मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, ठीक है। तो पहले वाले के लिए कर रहा हूँ मैं, ए वाले के लिए देखिएगा क्या है 2 upon 6, 3 upon 5, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, सिंपल है आपका, ये नॉट इक्वल आ गया, यानी नॉट इक्वल जब आ जाता है पहला वाला तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी किसका कौन सा आ रहा है आपका 2 आ रहा है, और इसका 2 जो है वो किस में आ रहा है, सिर्फ आपका सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको वैसी करा देता हूँ, इसका वाला देखिए चेक कर लीजिए क्या आएगा आपका 2 upon 6 और आपका 3 upon 9 इक्वली आ रहा है, आपको पता है क्योंकि ये 3 था और ये भी क्या है 3 था, और इससे आगे वाला देख लेते हैं कितना आपका -40 लेफ्ट में लाकर -50, तो ये वाला इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन्स आपकी पैरेलल लाइन्स है, तो इसका कौन सा पैरेलल। अब तीसरे वाले को तो आपको पता ही है पहला होगा, ठीक है। तो चलिए खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यूज का, देखिएगा आप इसमें 15th क्वेश्चन आपका क्या है आपका, कॉलम वन कॉलम टू है ना, मैचिंग मिला दिया आपने, तो आप देख सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है। जैसे 3,4 है ना, ये पुट करके देख लेते हैं इसमें पहले वाले में, तो देखिए ऑलरेडी भी रख सकते हैं 2 3 6 और 4 कितना आ रहा है 10, यानी पहले वाले का ये तो नहीं है, 4,5 रखते हैं, चलिए 4 रखते हैं आप इसमें, 4 2 8 और 5 8 और 5 13, यानी ये पहले का नहीं है, तो पहले का कौन सा हो गया तीसरा हो गया, अरे भाई पहले का कौन सा हो गया तीसरा आर, तो आर तो इसमें भी है, और जबकि नन ऑफ दीज भी है, तो पूरा ही चेक करना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दीज दे रखा है आपको इसमें, ठीक है। तो चलिए अब इससे आगे वाला चेक करते हैं, इससे आगे वाला ये किसमें आपका 3,4 को सेकंड में चेक करते हैं,
थ्री फाइव द 15 है ना, थ्री रखेंगे ना एक्स की जगह तो थ्री फाइव द 15 और वाई के प्लस पर फोर रखेंगे तो थ्री फोर द 12, 12 और 15 35 नहीं होता है। इसका मतलब ये जब इसका नहीं है तो फिर ये किसका है आपका, इसका है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो सेकंड वाला है वो सेकंड का हो गया, तो आप देख सकते हैं सेकंड वाला सेकंड का, यानी कि कौन सा आपका सी, और जो आपका ये है कौन सा आपका थर्ड का, वो कौन सा है पी। बिल्कुल सही, सी इज राइट ऑप्शन, देख लीजिए आप इसमें। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि एसेंशियल रीजनिंग वाले कैसे चूज किए जाते हैं, बट देख लीजिए एक बार दोबारा से, इसमें ए बी सी और डी ऑप्शंस होते हैं। क्या होता है इसमें, टू स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं आपके, एक एसेंशन और एक रीजन, ठीक है। अब देखिए आंसर कैसे देना होता है कि अगर ए ट्रू है और आर भी ट्रू, यानी एसेंशन भी आपका ट्रू है और रीजन भी आपका क्या है ट्रू है, और साथ में क्या है आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, और आर जो है वे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो देखिए ए भी सही है और आर भी सही है और साथ में आर जो है वे एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को, तो फिर ऑप्शन हमारा ए होगा। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन आपकी इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, बी में ए इज ट्रू आर इज ट्रू, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, कि इसने कहा है आपका ए भी सही है आर भी सही है, बट आर जो है वह ए को क्या नहीं कर रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बी होगा। देखिए नेक्स्ट आप इसमें नेक्स्ट इसमें कैसे करेंगे, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो इसमें सिंपल है आपका कि अगर ए आपका सही है और आर आपका गलत है तो आप क्या सी ऑप्शन चूज करेंगे, और आप देख सकते हैं इसी वे में क्या है आपका ए इज फॉल्स, और देखिए ए अगर फॉल्स है तो ए बाकी सब में ट्रू है, तो ए के फॉल्स आते हैं, हमें आर को ट्रू देखने की जरूरत भी नहीं है, हमें क्या कर देना चाहिए डायरेक्टली डी ऑप्शन, ए जैसे आपका फॉल्स आया तो हमें क्या है डी ऑप्शन पे आ जाइए, आर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये इस टाइप से हम करेंगे, इसके चार ऑप्शन में से कैसे, चारों में से कोई सा एक चूज करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए इसका एक एक क्वेश्चन देखते हैं हम नीचे, सबसे पहले क्या दे रखा आपको, देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट, इसमें एसेंशन दे रखा है आपको 51 क्वेश्चन में आपको, 4x plus 3y equals to 18 is a line which is parallel to x-axis. देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर x-axis के parallel कभी भी कोई भी line होगी तो उसमें सिर्फ y के value दे रखी होगी, जैसे y equal a मान लो, y equal 3 मान लो, y equal minus के 3 मान लो, या a to z कुछ भी मान लो, यानी उसमें x का coefficient क्या होगा, 0, coefficient of x क्या होगा स्टूडेंट इसमें, 0। इसी चैप्टर का जो पहला एमसीक्यू था सबसे पहला वो आप देख लीजिएगा उसमें था, तो इसका मतलब ये x एक्सिस के क्या पैरेलल नहीं हो सकती, कौन सी लाइन, ये लाइन, ठीक है, ना ही y के ना ही x के, क्योंकि ना ही इसमें x का कोएफिशिएंट 0 है ना ही y का कोएफिशिएंट 0 है, तो एसर्शन जो है गलत है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्या होगा इसका डी। देखिए 52 क्वेश्चन देखिएगा, एसर्शन में दे रखा है आपको द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इफ x equals to 3, y equals to 1 is the solution of the line. तो ये तो सॉल्व करके ही पता चलेगा ना हमें, देखिए 2 और x, x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम 3, और प्लस y, y के प्लेस पर 1 और माइनस q square माइनस 3 equals to 0, तो यहाँ से आया आपका 6, 6 और 1 कितना, 7, 7 में से 3 गया तो कितना बचा आपका ये, प्लस का 4 equals to 0, या ये आपका हो गया माइनस 4, उधर जाकर ये माइनस से माइनस गया, तो q इक्वल आया प्लस माइनस के रूट फोर, और रूट फोर यानी प्लस माइनस के 2, इसका मतलब a हमारा क्या है सही है स्टूडेंट, है ना, a यानी assertion हमारा सही है। अब रीजन पे चलते हैं, रीजन देखते हैं हम इसमें रीजन में क्या दे रखा है आपको, देखिएगा ध्यान से, द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन, बिल्कुल सही बात है, जो सॉल्यूशन होता है वह उस लाइन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ये सही भी है आपका रीजन जो है, और साथ में रीजन जो है वह ए को क्या कर एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, देख सकते हैं आप इसमें इसका आंसर क्या होगा, 52 का ऑप्शन ए होगा। चलिए 53 पर आते हैं, एसर्शन दे रखा है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये और ये विल बी अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, तो ये तो चेक करके पता चलेगा क्या a1 by a2, तो आप देखिए यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट 2,
यहाँ वाई का कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ वाई का कोएफिशिएंट क्या है 4, यहाँ वाई का वो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -4 और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपकी -12। तो आप देखिए 1/2 ये आ रहा है और ये आपका क्या आ रहा है 1/3। तो ये पहले दो इक्वल आ रहे हैं, ये पहले दो इक्वल आ रहे हैं और ये तीसरा वाला इक्वल नहीं है, तो कभी हाँ कभी ना, यानी कि पैरेलल वाली ही कंडीशन है, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, यानी बिल्कुल ए सही है। एसर्शन जो दे रखा है उसने सही दे रखा है। अब आप आगे देखिए इसमें रीजन में, ये लाइन है और कहा है कि बी टू लीनियर इक्वेशंस एंड इफ, ये वही कभी हाँ कभी ना वाली कंडीशन है ना, एक इक्वल है एक नॉट इक्वल है। तो देखिएगा देन द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस एंड दे हैव नो सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है आपकी, इसमें क्या है रीजन बिल्कुल सही है आपका, और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आर जो है ए को क्या कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका मतलब इसका भी क्या होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 54th क्वेश्चन देखिए आप, इसमें सेशन दे रहा है आपको था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये और ये विल बी अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना। तो चेक कर लेते हैं, वही अपना रेशियो चेक करते हैं आप इसमें बराबर। देखिए यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपका 2, यहाँ वाई का कोएफिशिएंट क्या है आपका 1 और ये कितना है -1। तो देखिए माइनस वाले प्लस वाले की इक्वल नहीं हो सकता, नहीं पहले वाला नॉट इक्वल है, यानी ये पैरेलल लाइंस वाला नहीं है, है ना, ये कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला है यूनिक सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में जब आपका पहला ही आपका गलत हो जाए तो ऑप्शन डी होता है। मैंने कहा था रीजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है फिर, ठीक है इस कंडीशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55th। एसर्शन दे रखा है आपको द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये और ये एज अ यूनिक सॉल्यूशन इज 3। देखिएगा इसमें स्टूडेंट इसने क्या कहा है कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन हो इनका, है ना, यूनिक सॉल्यूशन कब होता था इंटरसेक्टिंग लाइंस में होता था, है ना, तो क्या होगा x का कोएफिशिएंट k और ये x का कोएफिशिएंट क्या है आपका 6, नॉट इक्वल्स टू आता था b1/b2 के, यानी इसका y का कोएफिशिएंट आपका -1 और ये -2, माइनस से माइनस गया 2 1 2 3, तो ये k नॉट इक्वल्स टू 3 आना चाहिए और वह कह रहा है इक्वल है 3 के, तो इसका मतलब ये भी गलत है। और जब एसर्शन ही गलत है तो रीजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है 56th क्वेश्चन आपका, एसर्शन दे रहा है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये 2 इक्वेशंस दी हैं आपको हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, किन में जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो देखते हैं यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपका 9, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपका 18, यहाँ वाई का कोएफिशिएंट आपका 3, यहाँ वाई का कोएफिशिएंट क्या है आपका 6, यहाँ पर 12 और 24 कॉन्स्टेंट टर्म जो है, तो ये सारे इक्वल आ रहे हैं। देखिए 1/2 1/2 और 1/2, और जब सारे इक्वल होते हैं स्टूडेंट तो उस कंडीशन में क्या होता है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती थी आपको याद होगा, तो इसका मतलब एसर्शन तो सही है। अब रीजन को देखते हैं ना, रीजन चेक करते हैं, देखिएगा क्या दे रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये आपको 2 इक्वेशंस दे दिए हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस इफ, बिल्कुल सही बात है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे कब, जब ये तीनों इक्वल होंगे। तो आर भी सही है आपका, आर सही भी है और ये जो है आपका एक्सप्लेन कर रहा है किसको ए को, इसका मतलब ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। एसेशन में दे रखा है आपको इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कि अगर इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो तो 2a - b की वैल्यू ये होगी। तो आप देखते हैं, देखिएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में तीनों इक्वल आते हैं, तो देखिएगा x का कोएफिशिएंट 2 या x का कोएफिशिएंट 2a इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट आपका 3 और y का कोएफिशिएंट क्या है आपका यहाँ पर a + b और इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म लेफ्ट मिलाकर -7 और लेफ्ट मिलाकर -28। तो देखिए माइनस से माइनस गया आपका, अब देखिएगा 2 से ये 2 गया आपका, तो ये बचा 1/a और इक्वल्स टू में 3/a + b और इक्वल्स टू में 7 से अगर हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 1/4। अब आप देखिएगा ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, इसको आप थर्ड मान लीजिए। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड अगर मैं इक्वल करूंगा तो क्या होगा इक्वेशन आएगी, फायदा कुछ नहीं होगा। तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं क्या करूं फर्स्ट और थर्ड को ले लूं, फर्स्ट और थर्ड को लेने पर फायदा क्या होगा आप देखिएगा, फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लेंगे 1/a + 1/4 क्रॉस करेंगे
एक प्लस टू क्या आएगा आपका, फोर आएगा, एक प्लस टू क्या आएगा आपका, फोर आएगा। दूसरी बात अगर मैं आगे की बात करूं, ए फोर आ गया, अब आप क्या कर लीजिए, सेकेंड और थर्ड को ले लीजिए, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो अब क्या है आपका ए थ्री अपॉन ए प्लस बी है ना, और इक्वल्स टू में वन बाई फोर, तो क्रॉस कर लीजिए, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू में थ्री फोर सा ट्वेल्व, और ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर कितनी, फोर, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ट्वेल्व माइनस फोर, ठीक है ना, यानी कितनी एट। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए स्टूडेंट, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, टू ए माइनस बी की, किसकी चाहिए, टू ए माइनस बी की, तो हम कर दें टू ए, ए की मतलब टू फोर सा, और माइनस बी, बी कितना एट, तो जीरो ही आ रहा है, बिल्कुल ए आपका सही है, यानी एसेशन तो सही है। अब रीजन को देखें, रीजन राइट में देख रहा हूँ मैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्या किया हमने, ये सिक्स बाई थ्री और क्या है आपका माइनस के टेन बाई माइनस के फाइव और माइनस के नाइन बाई माइनस का एट, तो देखिएगा ये इसका जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है आपका, टू इज टू वन, ये भी टू इज टू वन आ रहा है अनइक्वल, लेकिन ये अनइक्वल आ रहा है आपका नाइन इज टू एट, तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं, बल्कि ये कौन सा आपका नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, इसका मतलब रीजन जो है वह गलत है, यानी ए असर्शन तो सही था, रीजन क्या है गलत है, इस कंडीशन में सी ऑप्शन होता है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए 58 क्वेश्चन आप इसमें असर्शन में दे रखा है आपको, व्हेन के इक्वल्स टू माइनस फोर देन लीनियर इक्वेशन ये और ये हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, अब यहाँ पर देखिएगा दो तरीके, आप तो के की वैल्यू पहले रख दीजिए या के की वैल्यू निकाल लीजिए इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन करके, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है आपका k प्लस 1, इक्वल्स टू b वाला देख लीजिए यहाँ पर, ये मे बी इन्होंने मिसप्रिंट दिया है या क्या है, यहाँ पर ये y नहीं दे रखा है स्टूडेंट इन्होंने ना, और अगर y नहीं दे रखा है, देखिए y मे बी हो यहाँ पर है ना, y जो है यहाँ पर मे बी हो सकता है कि हो, क्योंकि यहाँ पर भी दे रखा है ना y इन्होंने इस टाइप से, अगर y नहीं होता तो हम इसको पूरे को क्या ले लेते, c ले लेते उधर लेफ्ट में लाकर, फाइव को लेफ्ट में ले आते, तो ये हो जाता हमारा कुछ इस टाइप से, देखिएगा प्लस वन और माइनस का फाइव इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाता x प्लस के माइनस फोर, तो ये a होता, a मतलब वन और c, c होता k माइनस फोर, लेकिन ये मुझे लग रहा है y लिखना भूल गए यार अंत वाले, तो देख लीजिए कोई इशू नहीं है, हम y के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, तो क्या हुआ ये k प्लस वन हो गया, y का कोएफिशिएंट, और यहाँ y का कोएफिशिएंट नाइन हो गया, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो k प्लस वन का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में कितना आ रहा है आपका, इक्वल्स टू में नाइन आ रहा है आपका, है ना, तो अगर इक्वल्स टू में नाइन आ रहा है तो आप यहाँ कह सकते हैं कि k प्लस वन जो है आपका प्लस माइनस के थ्री के इक्वल होगा, अब एक बार आप पॉजिटिव ले लीजिए, है ना, पॉजिटिव लेंगे आप, और एक बार क्या लेंगे आप इसमें नेगेटिव लेंगे, देखिए जब पॉजिटिव लेंगे तो ये वन उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका टू, और ये आपका उधर जाकर माइनस होगा तो माइनस का फोर, तो आप देखिए टू भी आ रहा है और माइनस फोर भी आ रहा है, ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस फोर भी आ रहे हैं और टू भी आ रहे हैं, और उसने सिर्फ माइनस फोर दे रखा है, तो इस हिसाब से इनका जो एसर्शन है वो गलत है, ठीक है, और जब एसर्शन ही गलत होता है तो उस कंडीशन में हम रीजन को चेक ही नहीं करते, डायरेक्ट डी आंसर लिख देते हैं। देखिए बच्चों 59th क्वेश्चन, एसर्शन दे रखा है आपको ये और ये दो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ k इक्वल्स टू टू, तो चेक कर लेते हैं क्या किया, नो सॉल्यूशंस में आपको पता है क्या होता है, पहला वाला इक्वल होता है और दूसरा इक्वल नहीं होता, कभी हाँ कभी ना वाली कंडीशन, यानी x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है वन, यहाँ पर क्या है टू, तो वन बाई टू, और इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट क्या है आपका वन, और y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर k, तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल्स टू क्या आएगा आपका टू, तो बिल्कुल सही है आपका एसर्शन जो है वह सही है। अब रीजन देखते हैं ना, रीजन में क्या करेंगे हम, देखिएगा ध्यान से, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कब होती थी स्टूडेंट, या तो यूनिक सॉल्यूशन में या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन में, है ना, यानी कि या तो इंटरसेक्टिंग लाइन में या कोइंसिडेंट लाइन में, जब सॉल्यूशन निकलना पॉसिबल होता है तब। अब ये देखो उन्होंने थोड़ा अजीब से दे दिया बेचारों ने, उन्हें धोखा लग गया है, ठीक है,
देखिएगा यहाँ पर जाहिर सी बात है K1 और K2 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, K1 और K2 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये गलत ही हो गया है ना, जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो ये गलत ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर K1 K2 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो कोफिशिएंट दे रखे हैं A1 B1 C1 है, और यहाँ A2 B2 C2 है, तो ये K1 K2 कहाँ से है, तो ये इसका मतलब गलत है। और जब आपका रीजन गलत है तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, सी आपका सही आंसर हुआ, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी आप देखो हाँ कंसिस्टेंट है तो इसको B1 B2 मान ले, अगर आप इसको B1 B2 मान लेंगे, समझिएगा K1 K2 को B1 B2 मान लेंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग यानी कंसिस्टेंट हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ए भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इनका, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा इस कंडीशन में। तो आप देख सकते हैं मतलब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा वहां पर कोई मिसप्रिंट या मिस्टेक वाला, ठीक है। देखिए आगे, देखिए 60th क्वेश्चन असेशन में दे रखा है, अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेंड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स, यानी अगर उसके डिजिट्स का सम करें और उसको मल्टीप्लाई करें 8 से और उसमें 1 ऐड कर दें, अच्छा ठीक है, तो वह नंबर मिलेगा, या फिर कैसे मिलेगा, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, यानी उसके डिफरेंस को अगर मल्टीप्लाई करें बाय 13 एंड एडिंग 2 और उसमें फिर 2 ऐड करें तो वो नंबर मिलेगा। तो उसने कहा वह नंबर 41 है, वह नंबर 41 है, तो देख लेते हैं दोनों कंडीशंस को, पहले ऊपर रेड वाली देख लेते हैं। उसने कहा कि इसकी डिजिट्स का सम कर लीजिए, और सम को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से और उसमें 1 प्लस कर लीजिए, तो ये कितना हुआ आपका 5, 5 8 था 40, 40 और 1 41, सही आ रहा है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, ग्रीन वाली जो सेकंड कंडीशन है कि इसका डिफरेंस डिफरेंस ले लीजिए 4 और 1 का डिजिट्स का डिफरेंस और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 प्लस कर दीजिए, तो ये कितना है 3 और 3 13 था 39, 39 और 2 41, बिल्कुल सही है, एसर्शन आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए आप, इसमें आगे क्या दे रखा आपको, द लीनियर इक्वेशंस यूज्ड आर ये और ये, अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसने, ठीक है ये चेक करना। उसने क्या कहा कि ये वाली इक्वेशन जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज हुई है ना, तो कोई नहीं कर लेते हैं। देखिएगा हमने मान लिया यूनिट डिजिट कितनी है आपकी एक्स और टेंस डिजिट कितनी है वाई, तो नंबर जो है नंबर क्या होगा आपका स्टूडेंट, नंबर होगा टेंस वाले को टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 y और प्लस यूनिट प्लस को प्लस कर दीजिए एक्स। अब हालांकि उसने जो कहा है, उसने कहा है कि अगर इन दोनों का सम निकालें हम, यानी एक्स प्लस वाई करें और इसको किससे मल्टीप्लाई करें 8 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 1 कर दें, तो सामने नंबर आएगा, यानी नंबर जो लिखा हुआ है 10 y प्लस एक्स, तो देख लीजिए इक्वेशन आ रही है क्या, 8x प्लस 8y प्लस 1 10 y प्लस एक्स, ये एक्स लेफ्ट में आकर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7x, और ये 8y ये 10 y लेफ्ट में आकर माइनस होगा तो क्या बचेगा 2 y, और क्या बचा आपका ये प्लस का 1 और प्लस 2 में 0, तो हाँ जी बिल्कुल ये वाली तो सही आ रही है, ठीक है। अब दूसरी भी तो चेक करनी पड़ेगी हमने लेकिन, है ना, तो दूसरी देख लीजिए। अब देखिए सेकंड कंडीशन लगा के सेकंड इक्वेशन निकालते हैं तो कैसे आएगी आपकी, ये 41 है ना, तो इसमें टेंथ डिजिट बड़ी है तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, टेंथ डिजिट क्या थी वाई, वाई माइनस एक्स और इसको किस मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 से और प्लस 2 करिए और सामने वही नंबर लिखिए, यानी क्या 10 y प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिए 13 y माइनस के 13 x प्लस के 2 इक्वल्स टू 10 y और प्लस का एक्स, ये लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा माइनस के 14 x, देख लीजिए, और ये 13 y में से 10 y जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 3 y और प्लस 2 और इक्वल्स टू में 0, तो ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन से मैच नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है रीजन जो है गलत है, और जब रीजन गलत होता है एसर्शन सही है और रीजन गलत है तो आपका क्या होगा आंसर सी होगा।